जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो भी लेक्चर होगा ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे भगत टेक्नो के ऐप पे आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो आपको एक्सेस रहेगी वन इयर्स तक रहेगी। वन इयर्स तक आप अपने वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड सेम आपको सपोर्ट भी रहेगा। सपोर्ट के तौर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे, प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे सिर्फ हम अपने स्टूडेंट को ऐड करते हैं, वहां पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप उसको वहां पे अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ सपोर्ट के लिए दो तीन नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप सपोर्ट के लिए उनको कॉल भी कर सकते हैं। हमारा भी नंबर आपको साथ में दे दिया जाएगा, तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम रहा तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको नोट्स मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके स्टेप बाय स्टेप के सभी नोट्स भी मिलेंगे, और टेंडर भरने के लिए जो भी नोट्स लगते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस, मेक इन इंडिया, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, उसके सबके आपको फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ATC सबके आपको एक फॉर्मेट आपको दे दूंगा। तो ये सब हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? क्लियर है? कुछ डाउट्स है इसमें, कुछ पूछना है किसी को? जब मैं आपको बोलूंगा पूछना है तो फिर आप अनम्यूट करके हमसे पूछ सकते हैं। नो सर, दिस ओके। सर, इसकी नोट्स की फिजिकल कॉपी भी मिलेगी ना? फिजिकल नहीं सर, सभी सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो वर्ड फॉर्मेट में होगा वर्ड फॉर्मेट में, जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक सर। सर, मुझे पूछना है कि अभी ये जो आप ट्रेनिंग जो देंगे नेक्स्ट 5 days फिक्स डेज जो देंगे, तो इसमें हम लोग को भी ऑनलाइन में पोर्टल पे जाके उस पे करना है कि हमको अभी सीखने के बाद में करना है, कैसे करेंगे? सर, जनरली आप हमारे साथ करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अच्छा। तो रिकमेंड ये रहता है कि आप पहले देखो और फिर आप कोशिश कीजिए, आपको वीडियो का लेक्चर भी मिल जाता है। तो आपको प्रॉब्लम आया तो हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, आप वहां पे कॉन्टेक्ट कर लो। अच्छा। और आप शेयर कर दीजिए डिटेल्स, तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि इनकेस देखो, अभी लेक्चर हमारे कैसे, अभी 2-3 दिन थोड़े आपको सपोर्ट में इशू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डे में भी लेक्चर है, ऑफलाइन के और ऑनलाइन के लेक्चर दोनों चालू है एक साथ, तो मैं दिन भर में कॉल नहीं पिकअप करूंगा, जिसके वजह से आपको जो भी है आप इवनिंग को अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब अभी सिर्फ देखना है, जब तक ट्रेनिंग है तब तक सिर्फ देख के समझना है, बाद में प्रैक्टिकल करना है। हाँ, बाद में आपको जब भी हमारा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो फिर आप प्रैक्टिकल कीजिए दिन भर, और जो भी डाउट्स रहेगा नेक्स्ट डे आप सॉल्व कर लीजिए हमारे पास। तब मैं आपका लैपटॉप वगैरह यदि एक्सेस है तो मैं एक्सेस भी लूंगा आपका। ठीक है सर, ओके। सर, ये वीडियो जो है वो मतलब वन बाय वन शेयर नहीं किया जाएगा, जैसा आपने बोला कि भगत टेक्नो के ऐप पे मिलेगा सर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर। आप ये वाला किसी को वीडियो शेयर नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हो। सिर्फ देख सकते हैं। यस, ओके। सर प्रजापति सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको कम से कम नहीं तो 10 बार म्यूट किया, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट रहेंगे तो ज्यादा सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से बाकी सबको, टोटल हमारे 40 कैंडिडेट्स को तकलीफ हो रही है। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट कर रहेंगे, जब आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तरफ से आपको चीजें प्रोवाइड होगी, ओके? तो आगे ये लेक्चर सिर्फ 5 दिन के लिए हम बोलते हैं, पर ये 5 दिन में खत्म बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बी प्रिपेयर। ये आप आगे के लिए लेक्चर कब तक खत्म होगा, ये जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होते और हमारा कोर्स कंटेंट खत्म नहीं होता, तब तक लेक्चर चलेंगे, चाहे वो 6 डेज हो, 7 डेज हो या 8 डेज हो, 5 डेज में तो खत्म नहीं होने वाला है। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जेम को समझते हैं, ये जेम का ओवरव्यू। ये जो जेम है, मैक्सिमम लोगों की क्वेरी रहती है ये कौन से डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रही है। तो ये कॉमर्स, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है ये इसको, मतलब इसका जो पूरा अथॉरिटी है वो इस डिपार्टमेंट के पास है। जेम के, यदि हम लोग फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट। मतलब ये पोर्टल जो है इसमें 2 लोग रहेंगे, है ना, 2 पार्ट। कभी भी कोई भी हम लोग बात करते हैं पोर्टल्स के बारे में तो 2 लोग रहते हैं, जैसे कि अमेजन को। तो आप यदि जेम को थोड़ा सा सिमिलर मानेंगे, यदि आप समझते हैं तो
तो हम लोग अमेजन के साथ इसको या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, पूरा नहीं थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे केसेस में यदि हम लोग देखेंगे तो फ्लिपकार्ट में भी या अमेजन में आपको दो लोग देखते हैं, कौन कौन, एक बायर और एक सेलर। तो यहाँ पे आपको दो लोग मिलते हैं, सेम यहाँ पर भी आपको दो लोग मिलेंगे, मतलब एक खरीदने वाले और एक बेचने वाले। तो जैसे आपको, आप यहाँ पे सिर्फ बेचोगे, मतलब आप कौन हो, सेलर, है ना, सिर्फ आप यहाँ पे कोई भी चीज सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद नहीं सकते। अमेजन जैसी वेबसाइट जो है प्राइवेट कंपनीज की वेबसाइट से, वहां पे आप दोनों कर सकते हो, खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। पर जब हम लोग जेम के बारे में बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ओनली फॉर ओनली सेल कर सकता है। बाय कौन करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, है ना, जिसमें गवर्नमेंट में कौन कौन आएगी, गवर्नमेंट बॉडी पूरा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या पीएसयू कंपनी जो सेमी गवर्नमेंट के नाम से आप लोग जानते हो, है ना। सेमी गवर्नमेंट में कौन कौन से आती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एचपी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, है ना, ओएनजीसी हो गया, ये लोग सेमी गवर्नमेंट्स में आते हैं। या बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं या टेम्पल भी होते हैं जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में चलती है। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो लोग गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो ये सभी लोग सेमी गवर्नमेंट, मतलब उसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। तो ऐसे कंपनीज भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेस बाय कर सकती है, ओनली बाय, हर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉडी के पास दोनों अथॉरिटी है, सेल भी कर सकता है और बाय भी कर सकता है, पर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे सिर्फ सेल कर सकता है, यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। आप परचेज कहीं से भी कर सकते हो बट आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेम, मतलब जी का मतलब गवर्नमेंट, ई का मतलब ई, मतलब इंटरनेट हो, ये होगा, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, इसलिए हम लोग ई बोलते हैं। और ये एक मार्केट है, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा एक मार्केट है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको जेम बोलते हैं। तो ये एक बेसिक चीजें थे जेम के बारे में, मतलब जेम एक्चुअली है क्या। यदि हम लोग इसके आगे को समझते हैं तो इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट कैसे हम लोग समझेंगे, तो देखिए यदि हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड्स में जाएंगे या जेम के पोर्टल में जाएंगे, इसमें दो पार्ट मिलेंगे, क्या क्या इसमें लिस्टिंग कर सकते हो, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विसेज, या फिर आप दोनों भी कर सकते हो एक ही फॉर्म से, प्रोडक्ट भी और सर्विसेज भी। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि आप अभी लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप जिस चेयर पे बैठे हो, चेयर, टेबल, फैन, ये आपके घर में जो भी सामान दिख रहा है, ये सभी चीजें क्या है, प्रोडक्ट है, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई भी सेल करना है, कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये हो गया प्रोडक्ट का। सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विसेज में क्या क्या आएगा, जैसे कि मैन पावर, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है क्या है, मैन पावर। मैन पावर मतलब जैसे आपको कोई इंजीनियर सप्लाई करना है, डॉक्टर सप्लाई करना है, या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ देना है, नर्सेस देना है, हॉस्पिटल्स को नर्स प्रोवाइड करना है, स्वीपर देना है, लेबर देना है, तो ये जो भी चीजें हैं हम लोग इसको मैन पावर बोलते हैं, मतलब हम लोग मैन पावर उनको सप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। एएमसी ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, एसी वगैरह, ये सब के हम लोग एएमसी ले सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, है ना, तो इसको हम लोग, ये सभी चीजें सर्विसेस में आएंगे। और बाइकल वगैरह हायरिंग पे, ये भी सर्विसेस का पार्ट हो गया, तो ये सब चीजें सर्विसेस है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों पे काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों चीजें यहाँ पे जेम पे अवेलेबल है। तो अवेलेबल क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है हमारा वर्क, जैसे कि हम लोग ई प्रोक्यूरमेंट, जो पहले जब जेम नहीं था तब हम लोग कहाँ से काम करते थे, ई प्रोक्यूरमेंट, ऐसे अलग अलग वेबसाइट है, रेलवे के IREPS है, CPP के ई प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। तो जब भी हम लोग टेंडर बात करते हैं तो टेंडर में तीन पार्ट आता है, टाइप ऑफ टेंडर्स में, है ना, क्या क्या, जो टेंडर की कैटेगरी देखेंगे तो इसमें तीन पार्ट रहेंगे, गुड्स, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बताए, देखिए गुड्स
सर्विसेज और वर्क। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया अभी, जेम पे, प्रोडक्ट और सर्विसेज शिफ्ट क्या नहीं हुआ, तो ये वर्क, वर्क जो है वो अभी भी आपको आपके ही पोर्टल में मिलेगा। कोई इसको सीपीपी पोर्टल बोलते हैं, कोई ई प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, कोई एन प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। जैसे गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में एन प्रोक्योरमेंट के नाम से जाना जाता है, बाकी जगह पे ई प्रोक्योरमेंट के नाम से जाना जाता है, रेलवे आईआरईपीएस बोलती है ना, ऐसे मिलिट्री एमईएस बोलती है, जो भी डिफेंस के सेक्टर है सबके ऐसे अपने अपने खुद के वेबसाइट है। जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाटेंडर्स बोलते हैं, तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग वेबसाइट के नाम से बनाया जाता है। पर इस पोर्टल से, इस पोर्टल में डिफरेंस क्या है, ये पोर्टल में प्रॉब्लम क्या है, यदि आपने सीपीपी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया, यदि हम लोगों ने सीपीपी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया, तो क्या मैं इस पोर्टल से महाराष्ट्र का टेंडर भर सकता हूं? नहीं भर सकता, उसके लिए अलग वेबसाइट बना दिया है महा टेंडर। बिल्कुल देखने में सेम है बट इनके वेबसाइट अलग है, सेम है, लुक वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे महाराष्ट्र का टेंडर आएगा, यहाँ पे सीपीपी का पोर्टल आएगा। हम लोग रेलवे की बात करेंगे तो आईआरईपीएस बोल दिया गया, इसको क्या बोला गया, आईआरईपीएस, इंडियन रेलवे। तो ऐसे सबके ई प्रोक्योरमेंट के कैसे हैं, पोर्टल अलग अलग है, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग टेंडर भरना पड़ेगा। पर जेम कैसा है, यूनिवर्सल, मतलब आपने एक बार यहाँ पे जेम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो मिलिट्री इंजीनियर होने दो, डीआरडीओ होने दो, या रेलवे होने दो, या फिर जिला परिषद होने दो, पीडब्ल्यूडी होने दो, कॉरपोरेशन होने दो, या कोई भी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन में पूरा काम हो जाएगा। और साथ में आप प्रोडक्ट को और सर्विसेस एक ही आईडी से दोनों का भी काम कर सकते हैं। ये हमें जेम में बेनिफिट मिलता है, आपको यहाँ अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ में एक बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे हर पोर्टल में हमें डीएससी कैरी करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर देखा है क्या आप लोगों ने? देखो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब सर्टिफिकेट कैसा होता है, अभी गवर्नमेंट हर जगह पे डिजिटल साइन करती है, ग्रीन टिक देखा होगा, ग्रीन टिक, जिसको हम लोग ग्रीन टिक भी बोलते हैं, ग्रीन टिक डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट के वेबसाइट से कोई भी चीजें डाउनलोड करो तो इस तरीके से ग्रीन टिक होके आता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप देखोगे तो, कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा ग्रीन टिक बोल के आता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ऐसा ग्रीन टिक रहता है। जैसे जीएसटी ले लो या कोई भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जाके आप जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो तो नीचे ऐसा ग्रीन टिक बोल के आता है। चलो हम लोग गवर्नमेंट का ही ले लेता हूँ, जीएसटी सर्टिफिकेट ऐसा रहता है, ऐसा क्वेश्चन मार्क गया, यदि इसको वेरीफाई करोगे तो ये ग्रीन टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी जो चीज को बोलते हैं, ये है डिजिटली साइन, ये वैलिड है, अभी मैनुअल साइन की जरूरत नहीं होती, इसको डिजिटल साइन होता है। ऐसे आपको हर पोर्टल में कहीं पर भी ई प्रोक्योरमेंट या एन प्रोक्योरमेंट या जो भी आप पोर्टल बोलते हो उस पोर्टल में काम करना है तो आपको हर एक पोर्टल के लिए डिजिटली साइन कैरी करना पड़ता है, जो जेम पे आपको जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट डिजिटली साइन, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर के आप काम कर सकते हो, कहीं से भी काम कर सकते हो, तो ये भी हमारे लिए अच्छा पॉइंट। ठीक है, यहां तक जेम के बारे में कोई डाउट है किसी को? क्लियर सर। सर ये सर्विसेज में आपने जो बताया जैसे प्रिंटिंग वगैरह का जो भी काम रहेगा ये सब भी सर्विसेज में इंक्लूड होगा? सर्विसेज में रहेगा, बराबर। प्रिंटिंग मतलब हम लोग सर्विस दे रहे हैं उनको, सर्विस, हाँ। प्रिंटिंग सर्विसेज बोलते हैं ना, हाँ। मतलब एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट इंक्लूड रहता है ना, इसलिए मैंने। देखो सर, बहुत सारे जगह, यदि हम लोग एएमसी की बात करेंगे तो एएमसी दो तरीके होती है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, विद मटेरियल होता है, ओके, है ना। तो वो हमारा कैसा हो गया, वो सर्विसेज में हो गया। अच्छा। कोई भी पार्ट में बात, यदि हम लोग सर्विसेज की बात करेंगे तो दो चीजें होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यदि कुछ कुछ जगह पे होती है, जहां पे
सर्विस की वैल्यू ज्यादा रहेगी, वो सर्विसेज में आएगा कंपेयर टू प्रोडक्ट। ओके ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये सर सर्विसेज में जैसे सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे हैं, मेरा जैसे प्रिंटिंग का वर्क है, मैं सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे रहा हूँ एयरफोर्स में, तो वो सर्विसेज में आएगा कि वो प्रोडक्ट होगा? सर्विसेज सर, देखो आप वो प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहे हो जी, हो सकता है कि उसमें मटेरियल डिपार्टमेंट दे दे आपको, ऐसा भी पॉसिबल है जी, और या फिर आपको बोलेगा विथ मटेरियल काम करो, तो वो सर्विसेज में। सर्विस में ठीक है। ओके सर, हमारा जो अभी सर्जिकल का है तो उसमें सर्जिकल प्रोडक्ट्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को अगर डिलीवर करना होगा तो वो तो प्रोडक्ट्स में आएगा ना? आप खुद ही बता रहे हो सर, देखो आपके हाँ। आपके वर्ड में ही आपने क्या बोला मुझे पहले, सर्जिकल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स हाँ। सर्जिकल सर्विसेज तो बोला नहीं आपने हाँ, हाँ। तो आप जब सर्जिकल प्रोडक्ट बोल रहे हो तो प्रोडक्ट ही रहेगा ना सर। हेलो सर, यानी देखो तो इन शॉर्ट ऐसा आपको समझना है, देखिए कि आपको जो भी चीजें दिखती है प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। यदि जहां पे मैन पावर से काम होता है, जहां पे प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत नहीं होती, मतलब हम मटेरियल नहीं देते, उस चीज को हम लोग सर्विसेज बोलते हैं, है ना। एक्चुअली आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा, आप काम करते हो तो आपको जनरली आइडिया होता है, तो इसमें ज्यादा आपको कुछ मेजर तकलीफ नहीं जाएगा। अदरवाइज हम लोग क्लास में धीरे धीरे कवर भी करेंगे प्रोडक्ट कैसा दिखता है, सर्विसेज में क्या होता है, तो आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया भी आता रहेगा, है ना। वो आईफोन से जो कनेक्ट हो गए सर, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आईफोन। आईफोन नाम से कनेक्ट हो गए सर, वो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और उसके बाद लास्ट में एक है YRB बोल के एक कनेक्ट हो गए सर, YRB बोल के जो कनेक्ट हो गए ना सर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। दत्ता सर साउंड, चलिए तो फिर हम लोग आगे के डेक्सिस को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों डाल सकते हैं ना। वर्क जो है वो पहले जहाँ ई प्रोक्योरमेंट में होता था वहीं पर रहेगा, वर्क का टेंडर आपको यहाँ नहीं मिलेगा अभी। और क्या कर सकते हैं फिर जेम पे, तो ये तो हम लोग ई प्रोक्योरमेंट में जो टेंडर का पोर्टल था वो टेंडर तो हम लोग कर ही रहे थे, वो सेम टेंडर हम लोग यहाँ पर भी जेम पे करेंगे। टेंडर मतलब क्या, जनरली हम लोग जब टेंडर समझते हैं तो टेंडर क्या चीज है, कोई बता सकता है मुझे टेंडर? बेसिकली इट्स टेंडर बोलो या बीड, बीड मतलब कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अभी आ रही, सॉरी मेरा म्यूट है। जेन सर प्लीज। या सो टेंडर या बिड मतलब जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं उसका क्या चार्जेस है, या हम क्या कोटेशन दे रहे हैं उसका, बेसिकली क्या कोट कर रहे हैं प्राइस। ओके सो वो बताना रहता है, और क्या क्वालिटी रहता है उसका, क्या क्वालिटी रहता है। ओके सर, बेसिकली मुझे लग रहा है टेंडर टाइम फ्रेम के अंदर रहता है, टाइम फ्रेम में कोई भी यदि काम निकलता है कि इस टाइम से इस टाइम तक होना चाहिए। देखो एक्चुअली सुनील सर का सुनील सर है शायद, उनका क्वेश्चन बराबर है कि टाइम फ्रेम रहता है टेंडर। यदि आप लोग बात करेंगे तो आप लोग खुद भी टेंडर करते हो, पर कैसा करते हो आपको समझता नहीं है, पर आप टेंडर करते हो। यदि हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, मान लीजिए अभिषेक सर है, दीक्षित सर है, और दीक्षित सर को क्या करना है, एक जमीन है सर के पास और उसका घर बांधना है, तो दीक्षित सर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला दीक्षित सर आएंगे और कॉन्ट्रेक्टर ढूंढेंगे, कौन मेरा ये घर को कंप्लीट करके देगा। दीक्षित सर इससे पहले अपना एस्टिमेट बनाएंगे जो मुझे ये घर कितने में पड़ेगा। मान लीजिए दीक्षित सर ने अपना एस्टिमेट बनाया कि मुझे 30 लाख में ये घर मेरा बंगलो बन के रेडी हो जाएगा, तो दीक्षित सर क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्टर ढूंढेंगे, मतलब इनवाइट करेंगे कॉन्ट्रेक्टर को, कौन घर को बांध के दे सकता है, ये इनवाइट प्रोसेस चालू होगा। फिर सब लोगों को बोलेंगे फिर आप अपना कोट करो, सब लोग कोट करेंगे क्या रेट में, सर का बजट 30 लाख है,
अभी सर को किसी ने 32 लाख में भी कोट कर सकता है, कोई 35 में भी कोट कर सकता है, कोई 28 में कर सकता है, कोई 25 में भी कोट कर सकता है, जिसको जो रेट में अपना बेनिफिट लगेगा। फिर दीक्षित सर डिसाइड करेंगे मुझे टेंडर किसको देना है, जनरली किसको टेंडर दिया जाएगा, जो सबसे कम रेट में सर को काम करके देंगे। तो फिर उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, L1, लोएस्ट वन, जो सबसे कम बन रहा है उसको L1 बोलते हैं, और हम उसको वो काम दे देंगे। तो इसी को यदि हम लोग अच्छे लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये है बिड टेंडर। मतलब दीक्षित सर ने अपने बंगलों का एक टेंडर निकाला और टेंडर में इन्वाइट किया बीडर्स को, जो हम लोग कॉन्ट्रेक्टर बोल रहे थे, चाहे वर्क हो या प्रोडक्ट या सर्विसेज, और उसके लिए टाइम फ्रेम डिसाइड किया, जैसे कि सुनील सर ने बोला कि 10 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, 20 दिन हो, 50 दिन हो, 50 दिन हो, 20 दिन हो, जो भी एक नॉमिनल हम लोग डेज पकड़ेंगे। स्टैंडर्ड तो 10 डेज का रहता है जेम पे, तो 10 डेज के अंदर आप अपना रेट कोट कर दो। यहां पे भी दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं टेक्निकल, एक होता है फाइनेंस। यदि हम लोग टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल में बायर डिसाइड करता है जो मुझे किस तरीके का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, या किस तरीके का सप्लायर चाहिए, या किस तरीके का सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। अभी मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, जिला परिषद है, उनको टोटल 100 चेयर परचेज करना है, तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे जो भी सप्लायर से लेना है उनके पास क्या होना चाहिए। तो हम चाहते हैं मेरे जो सप्लायर होगा उनके पास GST रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो हम उनसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो आपके पास GST सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यदि आपके पास GST नहीं है तो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मुझे लगा थोड़ा सा अच्छा चाहिए, जिसने ऑलरेडी सप्लाई किया है किसी को, हमें नया फ्रेशर नहीं चाहिए। तो फिर बायर डिसाइड कर सकता है मुझे एटलीस्ट 1 साल, जिसने 1 साल के अंदर किसी को सप्लाई किया है चेयर, वैसे वाले चाहिए, तो हम लोग उसको एक्सपीरियंस बोल देते हैं। फिर आता है ITR। ऐसे जो भी बायर डिसाइड करेगा वो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड करने का काम करते हैं टेक्निकल में, और फाइनेंस में रेट कोट करते हैं। मतलब हमें ये टेंडर कितने में चाहिए, जैसे 10 चेयर, हमने 100 चेयर जाना, तो 100 चेयर का मुझे 5 लाख में मैंने कोट कर दिया, जो 5 लाख में मैं 100 चेयर दे दूंगा, तो इसको हम लोग फाइनेंस बोलेंगे। तो ऐसा दो पार्ट होता है। तो जो लोग टेक्निकल में क्वालिफाई होंगे, मतलब जिनका टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ओके रहेगा, वही लोग फाइनेंस राउंड में जाएगा, और फाइनेंस राउंड में जो सबसे कम रेट में कोट करेगा उसको वो टेंडर मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, इसी को हम लोग टेंडर बोलते हैं। मतलब टेंडर का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, एक तो टाइम फ्रेम रहेगा, उसके बाद फिर टेक्निकल खुलेगा, फिर फाइनेंस खुलेगा, और फिर L1 होके वर्क ऑर्डर मिलेगा। तो ये होता है टेंडर। तो जेम पे ये चीजें भी अवेलेबल है टेंडर, जैसे कि प्रोक्योरमेंट वगैरह में होता था पहले भी। सर एक सवाल पूछूं? हाँ बोलिए। ये आपने बताया जैसे L1 और फाइनल जो बताया, अब मान लो हमने हमारी कोई भी एक प्रोडक्ट रखी है सर्विसेज में, अब मिनिमम वेजेज है, मान लो मेन पावर देना है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को, अब वो मिनिमम वेजेज जो है उससे तो नीचे हम करेंगे नहीं, बराबर, और उसमें फिर कैसे फाइनल किया जाएगा जो हमारे सबसे कम रेट में भरेगा। अभी सोच लो इसके ऑपोजिट छोड़ लीजिए, पर वो हम सर मेरे बात सुनिए, अभी मान लीजिए आपको ही 100 चेयर खरीदना है, मैं भगत टेक्नो मैं आपको कोट किया कि 100 चेयर का मैं आपको चेयर 10 लाख में दूं, जो आपको रिक्वायरमेंट है वही चेयर। दीक्षित सर बोलते हैं मैं वही चेयर आपको 8 लाख में दे दूंगा, जैन सर बोलते हैं मैं वही चेयर 7 लाख में दे दूंगा, तो आप ऑर्डर किसको दोगे, भगत टेक्नो को दोगे, दीक्षित सर को दोगे, या जैन सर को दोगे? इसी में मेरी क्वेरी है सर, के हम जो कोट अपना कैटलॉग बनाएंगे, अब उसमें मान लो मैंने चेयर का भाव जो है, सर हम यहाँ पे कैटलॉग के बारे में भी कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे, सिर्फ हम यहाँ पे आपको बीड होता क्या है वो समझा रहे। अच्छा, पर बीड भी तो सर कैटलॉग से ही निकलेगा सर, वो देखेंगे ना आगे का आगे, हम जेम नहीं समझा रहा हूँ, मैं बीड नॉर्मल टेंडर समझा रहा हूँ सर।
देखो अब इसके अंदर घुसोगे तो फिर ये क्लास घुसते जाओगे, तब कब क्लास तब समझेंगे। अभी हमारा जो जनरली क्लास हो रहा है, जिनको कुछ भी नहीं पता हम उनके अकॉर्डिंगली क्लास चला रहे हैं। आपके हर एक क्वेरी का आंसर मिलेगा पर थोड़ा सा वेट। ठीक है चलो, ठीक है तो हम लोग इसको बीड को इस तरीके से समझे। आदित्य सर बोलिए। सर जैसे कि सर का बोलना था, ये जो अभी सर का जो क्वेश्चन था, तो सर क्वेश्चन में ये मेरे ख्याल से बोलना चाह रहे थे कि जो गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल जो ये मैन पावर सप्लाई का है उससे कम में तो नहीं जा सकता है ना। मैन पावर का में अलग रहता है, वेजेस एक रेट रहता है, हम आगे उसको डिस्कशन करेंगे सर। सर अभी करेंगे ना, तो ये क्लासेस जो है ये क्वेरी में ही चलेगा है ना, और हमारा डिस्कशन जिनको पता है उनके साथ रहेगा। जो लोग बिल्कुल फ्रेश आए हैं वो उनको हमारा क्लास बहुत ही लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। इसके वजह से हम दूसरे टॉपिक पे चलो 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 आगे चलो सर। अविनाश सर। हाँ सर, मिनिमम बिड कितना 3 लगता है क्या उसको? हाँ है, जो वो जो भी टेंडर के लिए लगता है रूल रहेगा 3 का। ठीक है चलो, ठीक है हम लोग इसको अभी डिस्कशन करते हैं। अविनाश सर प्लीज, हम लोग अभी दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ बीड समझने में दिक्कत हो रही है तो अभी बताइए, हमारा हर एक टॉपिक कवर होगा पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। समझते हैं आगे की चीजें। ये हो गया बीड जो जेम पे अवेलेबल है, और एक क्या चीज है फिर जेम पे नया जो ई प्रोक्योरमेंट में नहीं था। यदि ई प्रोक्योरमेंट भी नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, ई प्रोक्योरमेंट में सिर्फ जो मैंने अभी टेंडर बोला वो टेंडर प्रोसेस ही प्रोक्योरमेंट में था। जेम पे एक चीज नया और आया, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अमेजन या फ्लिपकार्ट, तो शायद ही कोई होगा जिसने ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ ना कुछ चीजें ना खरीदा हो, अमेजन वगैरह या फ्लिपकार्ट ऐसे जो वेबसाइट है। यहां से आप लोग ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिसने कोई भी चीज परचेज ना किया हो। तो यहाँ पे आप कैसे परचेज करते हो? मुझे अभी शूज चाहिए तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे शूज। तो शूज के रिगार्डिंग कैटेगरी आ जाएगा। अभी उसके अंदर भी सब कैटेगरी है, किसमें चाहिए, वुमेन में चाहिए, मेन में चाहिए, किड्स में चाहिए, स्पोर्ट वेयर चाहिए, है ना। तो आपको यहाँ पे अलग अलग बता दिया। तो मुझे मान लीजिए स्पोर्ट वेयर में चाहिए, तो हम लोगों ने स्पोर्ट वेयर डाल दिया तो मुझे अभी वो सजेस्ट करने लगा जो आपके पास शूज है। अभी स्पोर्ट वेयर में भी अलग अलग शूज है, रनिंग शूज है, वॉकिंग शूज है, जिम का है, आउटडोर का है, वो आप मुझे सजेस्ट कर। मान लीजिए मुझे रनिंग के लिए चाहिए तो मैंने रनिंग ले लिया, अब मुझे वो शूज शो कर दिए। जैसे मुझे अभी कोई पसंद आया कि मुझे एक शूज अच्छी लगी, कोई भी हम लोग जो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिट बैठ जाता है ना। शूज ले लेता हूँ कैंपस के, ये एक शूज ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लगा और मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो मैं कैसे खरीदूंगा? अच्छा लगा तो मैं डायरेक्ट इसको ऐड टू कार्ट कर दूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा और मैं इसको आगे का प्रोसीजर करूंगा और मैं हम इसको परचेज कर लेंगे। इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपको कहीं पर भी रोका नहीं गया, आप डायरेक्ट परचेज कर पाए। सेम तरीके से यहां पर भी काम होता है, जैसे मुझे यहां पर भी शूज चाहिए तो हम यहां पर भी सेम तरीके अपनाएंगे। ये कौन अपनाएगा? बायर, है ना। परचेज यहां कौन करेगा? मैंने बोला था बायर परचेज करेगा। सेलर क्या कर सकता है? सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है। जो बेच रहा है उसने किसी ने तो यहां पे लिस्टिंग किया है अपना प्रोडक्ट, इसलिए तो उसका प्रोडक्ट दिख रहा है जो यहां पे सेल कर रहा है। सेम आप अपना प्रोडक्ट यहां पे लिस्ट कर सकते हो और बायर इसी तरीके से परचेज करेगा। जैसे कि मुझे चाहिए स्पोर्ट एंड रनिंग शूज, तो हम इस कैटेगरी में डाल देंगे। तो देखो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट दिखना चालू हो गया, जिनके भी प्रोडक्ट अवेलेबल है जेम के मार्केट में। जैसे यहां पर आ रहा था आपको ब्रांड दिख रहे थे, प्रोडक्ट का नाम क्या है वो दिख रहा था, प्राइस दिख रहा था और इसके रेटिंग वगैरह अवेलेबल थे और इसका MRP और कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, ये चीजें आपको यहाँ पे पता चल रहा था। सेम तरीके से यहां पर भी पता चलता है ब्रांड क्या है। जैसे ये ब्रांड, चलो ये NA मतलब अनब्रांडेड है ना, तो ऐसे आपको ब्रांड पता चलता है। प्रोडक्ट का नाम क्या है ये पता चलता है, इसका MRP कितना है ये पता चलता है, और अभी जो बेच रहा है वो कितने प्राइस में बेच रहा है, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, ये भी पता चलता है। इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो, जैसे अमेजन में मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में और भी डिटेल जानना है, तो हम इसको खोलते हैं
और यहाँ पे डिटेल्स लिखा रहता है, जैसे कि इसका लेस टाइप है, रेगुलर है, मीडियम है, विड्थ, और इसके डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल, जैसे प्रोडक्ट का डायमेंशन कितना है ना, कौन से कंपनी का है, इसका आइटम का मॉडल नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ लिखा रहता है, इसका वेट कितना है, क्वांटिटी कितना आएगा, ये सभी चीजें यहाँ लिखा रहता है। सेम आपको भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है, इसको खोल लीजिए जेम पे, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे इसका टेस्ट रिपोर्ट है नहीं है, कौन कौन से साइज में अवेलेबल है ना, सैंपल आपको प्रोवाइड करेगा कि नहीं, और इसके पूरे डिटेल्स देखो यहाँ पे और भी डिटेल्स अवेलेबल है, क्या क्या है, इसके कौन से मटेरियल यूज किया है, कैसा है इसका लेस की साइज क्या है, तो ये आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। तो सेम आपको ज्यादातर, सिर्फ ये क्या हो गया, थोड़े ग्राफिक्स बदल गए, थोड़े पोर्टल का तरीका बदल गया, पर चीजें वही है ना, वैसा ही है, आपको भी वही थोड़ा सा फील अलग आएगा, बट आपको इंफॉर्मेशन तौर पे ज्यादा सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिलता है। और यदि बायर चाहे तो यहाँ से उसको बाय का ऑप्शन मिलेगा लॉगिन के बाद, जैसे अमेज़न में लॉगिन करेंगे तो ऐड टू कार्ड मिल जाता है और कार्ड में ऐड हो जाता है, ऐसे यहाँ पे बायर जब यहाँ से लॉगिन कर लेगा तो उसको वहां पे बाय का ऑप्शन मिलेगा, वो भी ये जितने रेट में दे रहा है कोई भी, उसको वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है। जैसे कि आप लोग अमेज़न पे किसी से डायरेक्ट ऑर्डर लेते थे, ऐसे बायर चाहे तो आपको भी डायरेक्ट ऑर्डर आपका प्रोडक्ट का दे सकता है। जैसे कि आप लोग जनरली बात करते हो, सर लिंक से कैसे ऑर्डर मिलेगा, तो यही है लिंक से ऑर्डर मिलने का तरीका। डायरेक्ट बायर को अपने प्रोडक्ट का लिंक प्रोवाइड कर दो, वो लिंक खोलेगा, इस तरीके से खुलेगा और बाय पे क्लिक कर देगा कि आपका प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा और ऑर्डर आपको मिल जाएगा। सर ये डायरेक्ट लिंक वाला एक बार फिर से समझाएंगे प्लीज। डायरेक्ट ऑर्डर मतलब बिल्कुल आप अमेज़न समझ लो, जैसे अमेज़न में आप परचेस करते हो वैसा ही ऑर्डर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर बायर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ये लिंक बनाना पड़ेगा, जैसे मैं सर्विसेज में रहेगा, जैसे अमेज़न पे मुझे, यदि मान लो अमेज़न पे ये प्रोडक्ट है और मुझे नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है, मुझे मेरे फ्रेंड को सजेस्ट करना है कि फ्रेंड आप ये वाला शूज ले लो, तो हम उनको कैसे शेयर करेंगे ये प्रोडक्ट, क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट खोलेंगे, ये लिंक आया और ये लिंक यदि मैंने आपको भेज दिया तो ये शूज आप भी परचेज कर सकते हो ना सर, ये लिंक के थ्रू से कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। आपका प्रोडक्ट रहेगा, वो प्रोडक्ट को खोलो, जो लिंक जनरेट होगा वही लिंक हो गया, सिंपल है एकदम, है ना। लेकिन सर कुछ बायर ऐसा होते हैं ना कि वो बोलते हैं सर्विस परचेस करने के लिए आप डायरेक्ट अपना एक लिंक बना सर, हम लोग मैंने आपको बताया कि जो अंदर की क्वेरीज है उसको थोड़ा सा आपको रुकना है, ओके ओके, है ना, तो बेसिक क्वेरीज है हम लोग उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ जेम समझ रहे हैं, अंदर नहीं जाएंगे डिटेल्स में, जेम में नहीं जाएंगे, सिर्फ जेम के ओवरव्यूज देख रहे हैं, जेम में होता क्या क्या है ये सब जाएंगे आगे के लेक्चर हमारे, इसीलिए तो मैंने बोला सर आप हमारे साथ, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक आप हमारे साथ हो। ठीक है, तो सेम तरीके से इसको होता है ना। बाकी जिनको लिंक समझ में नहीं आया बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारे पास क्लास आगे है, हम आपको आपका ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा इसकी गारंटी हम लेंगे और वो आपको सभी चीज हम लोग आगे आगे क्लियर करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जेम को थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, कर क्या सकते हैं, होता क्या है जेम, तो ये है डायरेक्ट परचेस, जैसे कि अमेज़न लुक लाइक एकदम फुल अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो भी कॉमर्स वेबसाइट है उसके जैसा, पर अमेज़न पे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, आप एक साथ 10 लाख के भी परचेस कर सकते हो, 50 लाख का भी आप खरीद सकते हो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर 25,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इसकी लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो है 25,000, 25,000 ये यहाँ पे लिमिट हो। तो यहाँ पे तीन तरीके से परचेज होता है, एक हो गया बिड, दूसरा हो गया डायरेक्ट परचेज जिसकी लिमिट 25,000, और एक होता है L1 जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी में और सबसे ज्यादा फेमस है, उसको बोलते हैं L1 जिसकी लिमिट है मोर देन 25,000 लेस देन 5 लाख।
वहां पे आपको कंपेयर करना है प्रोडक्ट के साथ और फिर परचेज करना है। जैसे कंपेयर मतलब जैसे मुझे शूज परचेज करना है कोई बायर को, क्या करना पड़ेगा बायर को, है ना, बायर को अलग ब्रांड के साथ, जैसे ये ब्रांड के साथ ये ब्रांड कंपेयर नहीं होगा, अलग ब्रांड के साथ अलग अलग रेट में कंपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद जो सबसे कम रेट में देगा ऑर्डर उसको चला जाएगा। इसको बोलते हैं L1 परचेज, जिसकी लिमिट है मोर देन 25,000 लेस देन 5 लाख। ये भी एक डायरेक्ट ऑर्डर का ही पार्ट है। मतलब बीड और डायरेक्ट ऑर्डर में जनरली डिफरेंस क्या हो गया, बीड में सबको इनवाइट करते हैं, मतलब हम बताते हैं बीड में जो आपके ये टेंडर निकला है, अनाउंसमेंट करता है बायर जो देखो ये टेंडर निकला है, जिसको भरना है भरो, जिसको कोट करना है करो। डायरेक्ट परचेज में चुपके से खरीद लिए, किसी को पता भी नहीं चला, डायरेक्ट आपको ऑर्डर मिल गया, कभी किसी इसका अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ कि ये ऑर्डर आया कब और गया कब। हेलो सर, आपको बोला है बताने के लिए, नहीं ना, मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद मैं हर बार क्वेरी का मौका दे रहा हूं, तब पूछना है, ठीक है। तो यही एक मेन डिफरेंस है, बाकी समझेंगे हम लोग हर चीज, डायरेक्ट परचेज, L1 परचेज, भीड़, सब कुछ हम लोग आगे के क्लास में और भी ज्यादा डिटेल्स में समझेंगे। हाँ बोलिए सर, क्या क्वेरी है सर? जैसे कि मेरा सामान मशीन है, अब जो मशीन है 6 से 7 लाख की है, वो कैसे बिकेगी सर? इसमें बिकेगी ना, वो बीड के थ्रू से बिकेगी, टेंडर है ना, 5 लाख तक डायरेक्ट परचेज है। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला कि वो होगा ही नहीं, बीड में बताया ही, बीड में कोई लिमिट नहीं है, बीड में मैंने लिमिट की वर्ड ही यूज नहीं की। जैसे कि सर आप, मैंने टेंसर, जैसे कि मैंने ऐसे जूते है, ऐसी मैंने सर मशीनें सेल करने के लिए जेब में डाल दी सर, हाँ, सारी। अब जैसे कि मेरी मशीनें कोई 7 लाख की, कोई 8 लाख की है, हाँ, कोई 12 लाख की है, तो उसको मैंने अब जेब में डाल दी, तो फिर सर वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा सर, डायरेक्ट ऑर्डर की लिमिट ही 5 लाख। फिर आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करना है और टेंडर के थ्रू से आपको ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि टेंडर में कोई लिमिट नहीं है। तो सर जैसे कि अब आप बता रहे हो कि वो टेंडर, अब तो फिर अभी डायरेक्ट परचेज, तो ऐसे हम हमारी पूरा जो होता है टेंडर, हमें टेंडर के लिए कैसे भरा जाएगा फिर? सर मैं वही बोला कि हम लोग अभी वो क्लास नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको थोड़ा सा जेम के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे। अभी एक दिन यदि हम यदि ये क्लास 6 दिन ले रहे, तो 6 दिन का क्लास तो हम 1 घंटे में खत्म नहीं कर सकते ना सर। ठीक है, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको ये सभी चीजें समझ में आएगा। सर, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मेरी एक क्वेरी है कि डायरेक्ट सेल आपने बताया 25,000, डायरेक्ट परचेज 25,000 विदाउट कंपैरिजन, विद कंपैरिजन 5 लाख। अच्छा, विद कंपैरिजन 5 लाख और अच्छा, जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक सर, ये जो ये 5 लाख तक आप बोल रहे हैं L1 करने का, हाँ, क्या ये सारे प्रोडक्ट्स पे L1 5 लाख तक की है कि कुछ प्रोडक्ट्स, हाँ, ऐसे कुछ जो चीजें छोड़ के, जैसे ई रिस्का को छोड़ के, ओके, ई रिस्का एक ऐसा पार्ट है जिसका L1 नहीं होता, हाँ, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जैसे कार, बाइक, इसकी जो L1 की लिमिट है वो है 30 लाख, 25 लाख की 30 लाख सर, हाँ 30 लाख। थैंक यू सर। ये बताएंगे जैसे 25,000 से 5 लाख के बीच में हम डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, तो कंपेयर करना है, कंपेयर करने में 10-3 प्रोडक्ट कंपेयर किए तो उन स्पेसिफिकेशन अलग-अलग भी तो हो सकती है, उनकी वो कंपेयर कैसे हो पाएगी? हो सकती है ना, वो तो गलत हो जाएगा फिर, कंपेयर बन जाएगा ना सर, कंपेयर करना है, कंपेयर करके ऑर्डर रिलीज होना है, ब्रांड अलग चाहिए, अलग सेलर चाहिए, बस बस। ठीक है, चलो सर, एक मिनट, बिल्कुल भी मत सोचो, मैं आपको यहाँ पे क्लास में सभी चीजें सिखाऊंगा जिसके लिए आप क्लास करने आए हो, मुझे पता है मैक्सिमम जो लोग ऑलरेडी काम करते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और मैं जेम पे खुद काम करता हूँ इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट की मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। मैं दोनों काम करता हूँ, डिपार्टमेंट के साथ भी काम करता हूँ, मेरे पास सेलर भी काम करता हूँ और एज ए बायर भी, तो मुझे सभी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है क्या मुझे बताना है, मैं इतना 100% बता रहा हूं कि आप क्लास तक रुको, आपके आपके हर क्वेरी का आंसर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर सर। मुझे अभी हर एक की मन की बात है, मैं देखो यदि मैंने अभी लेक्चर लेना चालू किया तो क्या होगा, ये 38 लोगों में ना 15 लोग जो लोग नए हैं, कम से कम 8 से 10 लोग बिल्कुल नए होंगे जिसको जेम के बारे में पता नहीं है, वो लोग क्लास से बाहर चले जाएंगे। तो मुझे सबको एक जैसा रखना है, तो मुझे हर कोई एकदम बेस से सीखना, इसलिए हम एकदम नीचे लेवल से चालू करेंगे और एक एक करके हर एक का क्लियर। जो मैं बातें कर रहा हूं जिनको पता है जेम के बारे में, तो मेरे जो स्टूडेंट जिनको पता नहीं उनको भी समझ में आ जाए तब हम लोग वो बात करेंगे, है ना। चलो तो ये था परचेज करने का तरीका। और एक परचेज करने का तरीका है, कोई मुझे बता सकता है और एक क्या परचेज करने का तरीका है? हम लोगों ने 3 परचेज करने का तरीका बताया, बीड या आरए बोल सकते हो, कस्टम बीड। सर आप खुद ही बोल रहे हो कस्टम बीड, मतलब क्या हो गया, बीड ही हो गया ना, बीड या आरए या फिर डायरेक्ट परचेज और एक L1 परचेज, ये 3 तरीके का है। और एक परचेज करने का तरीका है ऑक्शन। ऑक्शन हमने बताया बीड या आरए, बीड या रिवर्स ऑक्शन या फॉरवर्ड ऑक्शन, मैं तो होता नहीं आरए या सर पीपीपी। यस, किसने बोला? आरिफ सर। अरे वाह, क्या हुआ आरिफ सर को, सच अभी आरिफ सर ने, आसिफ सर, सॉरी सर, आसिफ सर ने शायद पोर्टल को थोड़े अच्छे तरीके से जाना है। पीबीपी पहले भी था, जनरली इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। प्रोक्यूरमेंट है ना, हम लोग उसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, कुछ पुश टू प्रोक्यूरमेंट कुछ बोलते हैं, पुश टू प्रोक्यूरमेंट, हां पुश टू प्रोक्यूरमेंट, पुश प्रोक्यूरमेंट। ये भी एक परचेज करने का तरीका है, इसकी लिमिट है 1 लाख, 1 लाख है लिमिट इसका, 1 लाख है और उसमें कुछ लिमिटेड कैटेगरी है। इसकी लिमिट है 1 लाख और इसमें कुछ लिमिटेड कैटेगरी है, उस लिमिटेड कैटेगरी को हम लोग परचेज कर सकते हैं 1 लाख के अंदर। ये एक तरीके का लिमिटेड टेंडर है। लिमिटेड टेंडर जनरली जिन लोगों ने टेंडर भरा है उनको पता होता है, टेंडर भी 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन टेंडर और एक लिमिटेड टेंडर। ओपन टेंडर मतलब टेंडर निकला, अब ये टेंडर को कोई भी भर सकता है, इसको हम लोग ओपन टेंडर बोलते हैं। लिमिटेड टेंडर किसको बोलते हैं, मान लीजिए मैंने एक टेंडर निकला, यहाँ पे बीड दिखता है, टेंडर दिखता है ना, लिस्ट ऑफ बीड में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे मुझे बीड दिखते हैं। चलो ये फुटवेयर रिपेयरिंग का एक काम है या फिर ऑफलाइन यूपीएस चाहिए उनको, है ना, समोसा चाहिए, बिस्किट चाहिए, जूस चाहिए, ऐसे इनको डिपेंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चाहिए, ये टेंडर है। अभी ये टेंडर हम लोगों ने पीपीपी में निकाला, मतलब 1 टाइप ऑफ लिमिटेड टेंडर। अभी ये टेंडर जब ये ओपन टेंडर होगा तो इस टेंडर को कोई भी भर सकता है, आप लोग टोटल 40 के 40 लोग ये टेंडर भर सकते हो। बट यदि मैंने इसको लिमिटेड में निकाल दिया तो मैं ये टेंडर वही भर पाएगा जिसको बायर इनवाइट करेगा। जैसे कि मैंने खान सर को इनवाइट किया, आशीष सर को इनवाइट किया और जैन सर को इनवाइट किया, तो ये 3 लोग ही ये टेंडर भर पाएंगे, बाकी के 37 लोग ये टेंडर नहीं भर पाएंगे। इसको ही हम लोग बोलते हैं पीपीपी, पीबीपी। चलो इसके भी थोड़े डिटेल्स हम लोग बाद में क्लास में समझेंगे। तो बायर जनरली जेम के ये 4 तरीके से आपसे ऑर्डर परचेज कर सकता है, या आप इस 4 तरीके से अपने प्रोडक्ट को जेम पे सेल कर सकते हो। यही 4 तरीका फिलहाल अवेलेबल है, तो जेम पे ये तरीका हो गया। चलो फिर और थोड़े से जेम को समझते हैं, मैं यहां पे थोड़ा था अभी आगे समझते हैं, थोड़े जेम के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। ये जो जेम अपने रूल्स फॉलो करती है वो जनरली कैसा करती है, तो ये जो जेम है ये 9 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ, इसका लॉन्च डेट है 9 अगस्त 2016, मतलब 2016 में जेम पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें बताया गया कि ऑल गवर्नमेंट बायर्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, सेंट्रल स्टेट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, बॉडीज एंड पीएसयू कंपनी एज ए बायर पार्टिसिपेट कर सकती है। बायर मतलब
खरीदने वाला और सेलर कोई भी हो सकता है। और इस पोर्टल का नाम रखा गया जेम, जिसकी वेबसाइट थी www.gem.gov.in। तो अभी इसमें रूल्स क्या फॉलो होंगे, अभी गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जीआर बोलते हैं उसको जनरली। तो क्या जीआर फॉलो होगा, गवर्नमेंट के रेजुलेशन क्या फॉलो होंगे, तो वो होता है 149। ये कहां का रूल है, तो ये रूल जो ई प्रोक्योरमेंट में रूल था वही रूल्स आपका जेम के लिए भी रहेगा। मतलब जेम के लिए कुछ नए रूल्स नहीं बनाए गए, जो ई प्रोक्योरमेंट का नॉर्म्स था सेम नॉर्म्स किधर फॉलो होना चालू हो जाएगा। पर किसके रूल्स फॉलो होंगे, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज ही है, वर्क तो है नहीं, तो वर्क के नॉर्म्स फॉलो यहाँ पे नहीं। जेम किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया, अभी ये बताना चाह रहा है। तो जेम का एम्स था कि ये ट्रांसपेरेंसी हो, इफिशिएंसी हो, इनको जो ये है मतलब कम लोएस्ट बजट में हो, ये सब चीजों को एक देखा गया, साथ में कैशलेस हो, कॉन्टेक्टलेस हो और पेपरलेस हो, ये सभी चीजों के बारे में जेम ने सोचा। जिससे कि लाइक ऑफ हम लोग फिर से आते हैं हमारे प्राइवेट पोर्टल, हम प्राइवेट पोर्टल का इसलिए बार बार एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आप वहां उसको जानते हो, अमेज़न को जानते हो, खरीदते हो आप वहां से, भले आप वहां पे कोई चीज सेल ना करते हो पर परचेज जरूर करते हो। यदि आपने कोई चीज वहां से परचेज किया तो क्या आप किसी को फोन करने की जरूरत पड़ती है आपको, पैसा दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है, कैशलेस भी है और कैश वाले भी है, पर जेम पूरा कैशलेस है, यहाँ पे कैश में डील होता नहीं है। आपको कोई ऑर्डर किया तो आपको कोई पेपर रखना पड़ता है, नहीं, पेपरलेस है। तो जेम भी यही रूल्स को अपनाता है और उसी तरीके से काम करता है ना, कैशलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टेक्टलेस। तो ये सभी चीज का जेम का मेन मोटो था। सर एक मिनट प्लीज, ओके। तो ये जेम है ना, ये क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो ई बीडिंग, जो ऑनलाइन बीडिंग बोलते हैं, बीडिंग हम लोग बीड हम लोग अभी नॉर्मल से कहते हैं, ई बीडिंग मतलब ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप सिस्टम से टेंडर भर सकते हो। रिवर्स ऑक्शन, इसको आरए बोलते हैं, रिवर्स ऑक्शन एंड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, जो डायरेक्ट परचेज जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। और साथ में हमारा और एक था, ना बीड ना डायरेक्ट परचेज, दोनों के एक बीच का पार्ट है जिसको हम लोग पीपीपी बोलते हैं, जो बाद में आया। तो इतने तरीके से हम लोग यहाँ पे परचेज हो सकता है, ये सब ये टूल्स जेम प्रोवाइड करती है। यदि हम लोग इसके स्टेक होल्डर की बात करेंगे, मतलब किन किन लोगों को मिलके जेम चल रहा है, तो किन लोगों को बैंक नाम मिलके चल रहा है, कुछ इसमें इंटरनल स्टेक होल्डर है जो एग्जीक्यूटिव इंजन में काम करते हैं, मतलब पोर्टल को, पोर्टल्स की ओर से सर्च इंजन बोलो या एग्जीक्यूटिव, मतलब उसको बराबर प्रॉपर वे से काम मैनेज करने के लिए करती है, जिसके डिसीजन लेती है, चाहे वो डेवलपमेंट हो या कोई कोई चेंजेस करना हो या कोई रूल्स में बदलाव करना हो, तो ये लोग उस टीम में है। जेम है खुद, एमएसपी है और पीएमयू है ना, ये सेंट्रल बॉडी जो मिनिस्ट्री है, वो लोग मिलके इसको चला रहे हैं। बायर जो खरीद सकती है, कौन कौन है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज है ना, और कोई बॉडीज। सेलर, सेलर में कौन है, ओईएम, ओईएम मतलब जो मैन्युफैक्चरर करता है कोई भी प्रोडक्ट। हम लोग को यहाँ पे जेम पे भी प्रोडक्ट को दो तरीके से सेल कर सकते हैं, एज ए ओईएम और एज ए रीसेलर। यदि हम कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है तो हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, एज ए ओईएम बेचेंगे है ना, क्योंकि हम उसके मैन्युफैक्चरर है। जैसे कि जेम पे आप देखो कोई भी प्रोडक्ट, एलईडी लाइट ही ले लेते, तो आपको ये प्रोडक्ट दो तरीके से लोग बेचते हुए नजर आएंगे। एलईडी स्ट्रीट लाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर में होता है, यहाँ पे आपको ओईएम भी मिलेगा और रीसेलर भी।
अब ये कौन बेच रहा है? रीसेलर बेच रहा है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। ब्रांड कौन है? विप्रो है। विप्रो खुद नहीं बेच रहा है, विप्रो अभी ये प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूं विप्रो से खरीद के या दूसरा किसी से खरीद के, तो मैं क्या हो गया? रीसेलर, मतलब रीसेल कर रहा हूं, मैं खरीद के और मैं बेच रहा हूं। और यदि मैं इस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? ओएम। देखो यहाँ पे ओएम भी लिखा रहेगा कोई प्रोडक्ट। देखो ये OEM, मतलब ये खुद मैन्युफैक्चरर खुद बेच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? OEM। यहाँ पे दोनों लोग है ना, OEM है। MSME उद्यम जिसको बोलते हो, जो लोग उद्यम में रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप इंडिया में जो लोग रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया। ऑथराइज रीसेलर, जो लोग रीसेलर है, जैसे हम दो लोग रीसेलर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रीसेलर है। जो लोग रीसेलर मतलब हम खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम किसी से लेके बेचते हैं, तो हम भी जेम पे काम कर सकते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर, मतलब मैं कोई सर्विस देता हूं तो सर्विस प्रोवाइडर। कुछ एक्सटर्नल गवर्नमेंट के सिस्टम है जो जेम से डायरेक्ट कनेक्ट है, जैसे UIDAI, आधार, GST, PFMS, MCA, पैन डेटा, और भी वेबसाइट लिंक है, जैसे कि फूड वाले, ISO, ये लोग भी लिंक है। तो ये लोग सब लोग जेम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब उनका सर्वर जेम के सर्वर के साथ कनेक्टेड है। आप यहाँ पे कोई भी जीएसटी का नंबर गलत डालेंगे, वो आपको बता देगा कि आपका नंबर जीएसटी का गलत है। तो कैसे चेक कर रहा है? जीएसटी के सर्वर से। कुछ इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं जो आपको बता रहा है, और कुछ पार्टनर्स है, जैसे बैंक फाइनेंस वगैरह करती है, रेटिंग एजेंसी है, अदर कमर्शियल एजेंसी, और 3PL, ऐसे कुछ स्टेक होल्डर मिला के। तो ये सबके वजह से हमारा जेम काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके आप नहीं होंगे तो भी जेम बंद हो जाएगा। कोई यहाँ पे प्रोडक्ट बेचेगा ही नहीं तो जेम कैसे चलेगा? तो यहाँ पे सबकी जरूरत है जेम को, ये लोग को सबको मिला के हमारा जेम चल रहा है। ये कहाँ चल रही है, कौन कौन सी कंपनीज है, उसके बारे में थोड़ा सा एक लोगों के थ्रू से आपको बताया गया है। आगे चलते हैं, स्टैटिक्स क्या है जेम में। स्टैटिक्स आज के डेट में, ये मैंने कब उठाया? 30 सितंबर 2022 का डेटाबेस उठाया है ना, 30 सितंबर 2022 तक का, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारा 3 महीने पहले का डेटा है अभी तक में। तो क्या है इसमें टोटल? तब तक बायर जो रजिस्टर्ड हो गए थे वो 62,880 बायर रजिस्टर्ड हो गए थे। इतने लोग यहाँ पे खरीदार है, खरीदने वाले अप्रोक्स 63,000 लोग खरीद रहे हैं यहां से। तो बेचने वाले कितने हैं? बेचने वाले हैं 51 लाख। अभी यहाँ पे सेलर और सर्विस प्रोवाइडर मिला के टोटल 51 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टिंग कितना है? तो 54.32 लाख प्रोडक्ट लिस्टिंग हुआ। ठीक है, तो इतने प्रोडक्ट लिस्टेड है। और टोटल अभी तक ऑर्डर्स कितने हो गए? तो टोटल ऑर्डर्स इतने हो गए। तो इस ऑर्डर्स की वैल्यू कितनी है? तो इतनी वैल्यू है, ये क्या है? CR में है, 3,06,095 CR। इतने ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर वैल्यू है, इतने ऑर्डर की वैल्यू जेम पे हो चुकी है अभी तक। और ये हर साल डबल हो रहा है, इतने नए सेलर और नए बायर, सब चीज और ऑर्डर वैल्यू रजिस्टर्ड होते जा। साउंड ऑफ हो गया, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ बायर, बायर को क्या एडवांटेज है जनरली? तो इन टू इन हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे, है ना। यहाँ पे इन टू इन है, ट्रांसपेरेंसी रखा गया है, मतलब हर एक ऑर्डर के बारे में हर एक को पता चलेगा,
तो आप बोलेंगे सर ट्रांसपेरेंसी किधर है, हमें ऑर्डर के बारे में पता कैसे चलता है? तो आप भी पता कर सकते हो, चाहे आप जेम पे रजिस्टर्ड हो या ना हो, आप कोई भी ऑर्डर पता कर सकते हो। बोलो, किसी को कहीं का ऑर्डर देखना है, किसको मिला, क्या रेट में मिला, बताओ, कोई भी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट जेम कॉन्ट्रैक्ट व्यू कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से सर्च कर सकते हैं, मैंने वो बता देता हूँ फिर मुझे बताओ। एक है यदि आपके पास कोई बिट नंबर है तो सर्च कर सकते हो, या कोई कैटेगरी का देख सकते हो, जो मुझे इस कैटेगरी का, मुझे डेस्कटॉप बेचना है तो डेस्कटॉप का आजकल रेट क्या चल रहा है वो देखना है तो देख सकते हैं, या फिर कोई बायर के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, जो मुझे मेरे स्टेट में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है और उसका रेट क्या चल रहा है, किसको मिला ऑर्डर, क्या रेट से मिला, ये जानना है। वो डायरेक्ट परचेज ज्यादा हो रहा है, बीड ज्यादा हो रहा है, L1 ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, सब जानना है तो भी जान सकते हैं। बोलो, अभी डिपार्टमेंट वाइज ले लूं या कोई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ले लूं? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो बोलिए क्या ले लूं, प्रोडक्ट मैनुअल चेन पुली ब्लॉक, मैनुअल चेन पुली ब्लॉक कैटेगरी नहीं मैडम, ये कैटेगरी तो जेम पे नहीं है, बाद में आप अपना अपना देख लो, है ना। बैटरी 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 ये नहीं है, पहले बैटरी का कैटेगरी ढूंढ, एक मिनट बैटरी देख लेता हूँ, बैटरी का कैटेगरी ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे किस कैटेगरी से बैटरी बिलोंग करता है, तो बैटरी को क्या बोलते हैं पहले ये जानना अपने को जरूरी है। यहाँ पे बैटरी को बोलते हैं, बैटरी का नाम क्या बदल गया यहाँ पे, ये बैटरी सेल मतलब छोटा वाला है, लैपटॉप बैटरी नहीं है, अपने को बैटरी चाहिए 12 वोल्ट वाला, 24 वोल्ट वाला। खत्म करते हैं, एक बैटरी नहीं बोलते तो इसको क्या बोलेंगे सर, लिथियम बैटरी देख लीजिए ना, नहीं बैटरी तो आना चाहिए ना सर, अल्कलाइन बैटरी भी है 9 वोल्ट की है क्या, हां 9 वोल्ट की है बैटरीज एंड सेल एक्सेसरीज में अल्कलाइन बैटरी 9 वोल्ट, ये लिथियम सेल बैटरी बोल के है ना रिचार्ज, यस ये कैटेगरी का नाम है। तो ये छोटे बैटरी होंगे, ऐसे मुझे बड़े बैटरीज भी मिलने चाहिए, वो भी है, खाली नाम पता नहीं है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अभी यहाँ पे पता, एलईडी एसिड स्टार्टर बैटरी शायद बोलेंगे, हाँ ये हो गए बड़े बैटरी है ना, तो इसकी कैटेगरी का नाम क्या है, एलईडी एसिड स्टार्टर बैटरी। अभी ये कैटेगरी का नाम पता चल गया अपने को, अभी ये कैटेगरी ढूंढ लेंगे, ये कैटेगरी आ गया बायबैक में है ना, ये बायबैक में चलता है। अभी बताओ किस डेट से किस डेट जनरली, तो हम अभी का देख लेते हैं, ये कोई 1 दिसंबर से लेके अभी आज है 23 जनवरी सॉरी, तो हम लोग अभी का देख लेते हैं, तो ये 1 जनवरी से 3 जनवरी तक कुछ ऑर्डर निकले हैं क्या, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी डिपार्टमेंट में निकाला हो, सर्च कोई भी नहीं हुआ, मतलब अभी इसके सेल नहीं हुए हैं, तो 2000 दिसंबर से ले लेता हूं, पूरे दिसंबर में, सॉरी 3 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक कुछ परचेज हुआ है क्या? कैटेगरी बायबैक वाली बैटरी की है, नॉर्मल बैटरी की दो उसमें आए, एक मिनट लगता है, बायबैक में नहीं हो रहा ना, तो बहुत सारे एलईडी एसिड बैटरी, यहाँ पे एलईडी स्ट्रीट बैटरी फॉर मोटर व्हीकल, ये चलो मोटर व्हीकल कर लेते हैं,
देखते हैं ये वाले, पहले तो बैटरी बहुत चलता था, अभी ऐसा क्यों हो गया, किसके ऑर्डर्स नहीं हो रहे, देखो अभी इसके ऑर्डर्स है। तो कहां पे है, किस जगह पे है, ये ऑर्डर है स्टेट गवर्नमेंट का, कहां का है, स्टेट गवर्नमेंट का, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, सब डिविजन मैजिस्ट्रेट ऑफिस में है ना। ये ऑर्डर कैसा हुआ, ये ऑर्डर हुआ डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑर्डर मतलब 5 लाख के अंदर, तो कितने में हुआ, ये 30,490 में हुआ, मतलब ये ऑर्डर कैसा हुआ, डायरेक्ट में L1 हुआ विथ कंपैरिजन, बराबर 25,000 से ज्यादा है तो कंपैरिजन के साथ हुआ। कितने ऑर्डर मिले, 2 क्वांटिटी का ऑर्डर मिला, एक क्वांटिटी का, उसके हिसाब से ऑर्डर निकाल सकते हो, कौन से ब्रांड को ऑर्डर मिला, तो इस ब्रांड को, ये मॉडल को ऑर्डर किया, और ये प्रोडक्ट का नाम है। कब कॉन्ट्रैक्ट मिला इसको, 1 तारीख को 2:02 पे। बायर कौन था, वो जूनियर असिस्टेंट था बायर का, जो डेजिग्नेशन था, डिपार्टमेंट रेवेन्यू एंड रिलीफ डिपार्टमेंट ने टेंडर, ये ऑर्डर रिलीज किया डायरेक्ट। अभी ये पता करना है मुझे, इसका ऑर्डर किसको मिला, ये तो नहीं पता चला कि ऑर्डर किसको मिला, जस्ट इस पे क्लिक करो, ये कैप्चर ऑर्डर, एंड सबमिट, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इनका जो वर्क ऑर्डर है वो मैं यहां पे डाउनलोड कर लिया। डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का फोन नंबर, डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी, इनका कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट डेट, ऑर्डर कैसे हुआ था, डायरेक्ट हुआ था, तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर और इस प्रोडक्ट के पूरे स्पेसिफिकेशंस, मतलब क्या स्पेसिफिकेशन में वो ऑर्डर दिया है, और सेलर कौन है, तो सेलर का डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगा, ये सेलर का जेम आईडी है, और माजिद इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला है, इनका ये मोबाइल नंबर है, इनका ये ईमेल आईडी है, और इनका ये एड्रेस है, और इनका ये जीएसटी नंबर है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर, चाहे आप कैटेगरी वाइज ढूंढ लो या कोई बायर वाइज, जैसे मुझे पता करना है कोई बायर वाइज, बोलो कहीं का कोई स्टेट बता दो किसी का भी, महाराष्ट्र, ठीक है, हम लोग महाराष्ट्र का ओवरऑल देख लेते हैं, डिपार्टमेंट देखना है तो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, ओके एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर में भी दो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अभी दो नहीं तीन तीन है, फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर, फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर के अंदर 24 तारीख से लेके 3 तारीख में जो भी ऑर्डर हुए वो दिखा दो मुझे। चाहे वो डायरेक्ट ऑर्डर हो, बीड हो, नहीं 24 के अंदर नहीं है, 1 तारीख से देख लेते, वर्क पे चल रहा है ना सर वहां पे, इसलिए क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है अभी वहां पे, टेंडर भरना जा रहा है, टेंडर भर रहे वायर लोग एग्रीकल्चर में नागपुर में, एनीवे हम लोग थोड़ा आगे का देख लेते हैं तो मिल जाएगा, ओके। अच्छा अभी तक वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है क्या डिपार्टमेंट, हुआ है वहां पे चल रहा है टेंडर, सिक्योरिटी टेंडर चल रहा है सिक्योरिटी के लिए, okay। ऐसा तो बताओ जिसमें मिले इजीली, जो डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होता ऐसा डिपार्टमेंट का आप लोग नाम बता देते हैं। सर जूते की मशीन में देख लीजिए सर, शू मशीन में, हेलो सर डिफेंस का देखिए ना, मैं हेलो सर शू मशीन में देख लीजिए, अभी देख लेता हूँ, आप बेस कंट्रोल का दीजिए सर, हेलो एक मिनट, डिफेंस का देखिए, डिफेंस का, तो एमपी को ही बोला था, एमपी का मैंने कोई डिपार्टमेंट फिल्टर नहीं किया, आप यहाँ देख सकते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, अर्बन डेवलपमेंट का है, ये टेंडर के थ्रू से मिला है ऑर्डर, कितना क्वांटिटी का, 3 क्वांटिटी का, क्या था ये, अनब्रांडेड डीजल BS4 हॉपर ट्रिपर था, 3.3 क्यूबिक मीटर का, 3 क्वांटिटी का ऑर्डर, 28,41,000 में टेंडर लेके गया। ये कैसा ऑर्डर हुआ, जबलपुर का है, एमपी का डायरेक्ट हुआ, ऑर्डर वैल्यू क्या थी, 90 है ना, टोटल 15 क्वांटिटी दिया, रिवॉल्विंग चेयर, ऑर्डर वैल्यू किसको मिला आपको बताया, यहां क्लिक करो, है ना, ये भी डायरेक्ट है, अब देखो डायरेक्ट सिर्फ ज्यादातर आपको डायरेक्ट मिलेगा, और ये BOQ, ये है क्या BOQ, चलो एनीवे, तो इस तरीके से आप
देख सकते हो। इसको हम लोग क्या, इसलिए इसको क्या बताया गया, ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर कोई, मुझे अभी जेम पे में लॉग इन भी नहीं किया हूं, फिर भी हम किसी के ऑर्डर और किसी के बारे में जान सकते हैं, क्या रेट में ऑर्डर जा रहा है, क्या हो रहा है, उनका वर्क ऑर्डर डाउनलोड भी कर सकते हैं, बराबर। इसका बेनिफिट किसको ज्यादा मिल सकता है बताओ, इससे एक बिजनेस, क्या बिजनेस, जो लोग ओएम है, मैन्युफैक्चरर हो या बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप यहां से जिनको ऑर्डर मिला आपके रिलेवेंट कैटेगरी का, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो आपको सर इतने में ऑर्डर मिला है तो आप मुझे ये काम, बैटरी, आप बैटरी के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो एमपी के और एमपी में आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उनको बोल सकते हो, या फिर आपकी जो रिटेलर है आप उनसे उनका कांटेक्ट करा सकते हो, जो बैटरी आप मेरे से परचेज कर लो, क्योंकि उनको बैटरी देना है तो खरीदना तो है कहीं से, तो आपसे क्यों ना खरीदे, यदि आप अच्छे प्राइस में ऑफर कर रहे हो तो आपका नॉर्मल गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में भी आप इस तरीके से डील कर रहे हो एज ए रीसेलर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बिजनेस का। एनीवे चलो, जो कर सकते हैं वो मैं बताते चलूंगा, जेम को समझते हैं, प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर सर्च, कंपेयर, सेलेक्ट एंड बाय फैसिलिटी, है ना, जैसे कि मैंने बोला सर्च करने का तरीका बताया, कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को और फिर हम परचेज कर सकते हैं, रिच लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे कैटेगरीज है और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कितने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, 54 लाख आइटम्स अवेलेबल है जेम पे, अप टू डेट, यूजर फ्रेंडली है, थोड़ा डैशबोर्ड, बाइंग का मॉनिटरिंग, सप्लायर एंड पेमेंट, यहाँ ये सिर्फ बोलने के लिए है पर इसकी प्रॉब्लम्स आया तो सॉल्यूशन के लिए कोई नहीं बैठा है तो थोड़ा अच्छा, पर इतना भी नहीं, जब प्रॉब्लम आती है जेम पे तो कोई सॉल्यूशन करता करके देता नहीं है, पूरा टीम ठप बैठा है, तो सही है सर, बच के रहो सर, सही है, 2-3 महीने मुझे लटका दिया वो होने वाला है, कुछ नहीं है, है ना, तो जो मैं आपको पहले बताया हूँ, मैं हर चीज बताते चला जाऊंगा। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए ना सर। सर अभी आपने जैसे बताया कि ये जो है वो ओनली गवर्नमेंट, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट और ये प्राइवेट सेक्टर्स वहाँ बाय कर सकते हैं ना, तो ये एडवांटेजेस खाली उनके लिए है ना सर, क्यों आपके लिए क्यों नहीं है, मतलब गवर्नमेंट, पीएसयू सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट उनके लिए है या आपके लिए क्यों नहीं है, वो मैं पूछ रहा हूँ कुलकर्णी सर, आप यहाँ पे बेच सकते हो, आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, अभी तक कुलकर्णी सर आप यदि सिर्फ महाराष्ट्र से रहते थे, आज अपने प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर सकते हो जेम के थ्रू से, ओके, सिर्फ आपको कॉम्पिटिशन में लड़ना है बस, मतलब मेरे जो बायर्स है उनके लिए ये एडवांटेजेस है ऐसा, अभी एडवांटेज बायर का पढ़ा रहा हूँ बराबर, ऑर्डर प्रोसेस रीडिजाइन एंड इजी टू यूज बोल रहे हैं ना, ऑर्डर प्रोसेस को आप लोग इजी टू यूज कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, इतना इजी नहीं रखा गया, चाहता तो बहुत इजी बना सकता था पर उतना भी इजी नहीं है, ई प्रोक्यूरमेंट से तो अच्छा है पर इतना भी इजी नहीं, ऑप्शन टू प्रोवाइड मल्टीपल कंसाइनी लोकेशन, मतलब आप एक ही प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई बायर है ना, कैसे एग्जांपल समझू, मान लीजिए मेरे 4 स्टोर गोडाउन है, मुझे शूज परचेस करने हैं पर ऑर्डर में एक ही बार में देना चाहता हूं पर मुझे 4 अलग अलग लोकेशन पे ऑर्डर चाहिए, मेरे दिल्ली में स्टोर है, मुंबई में स्टोर है, चेन्नई में स्टोर है एंड कोलकाता में स्टोर है, मैं एक साथ 1 लाख का ऑर्डर दिया, मुझे 75,000 पीस दिल्ली में चाहिए मान लीजिए, है ना, 10,000 मुझे कोलकाता में चाहिए, 10,000 मुझे चेन्नई में चाहिए, 10,000 मुझे मुंबई में चाहिए, तो ऐसा भी हम ऑर्डर बायर प्लेस कर सकता है, मतलब सिंगल ऑर्डर बट लोकेशन अलग अलग, इसी को बोलते हैं कंसाइनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली, क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो सकता है जो बायर को बेनिफिट मिलता है। बंच ऑफ प्रोडक्शन,
मतलब आप बंच बीड भी कर सकते हो, जैसे आपको पेन भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, स्टूल भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, तो वो सब का आप एक साथ ऑर्डर रिलीज कर सकते हो, पर वो अभी डायरेक्ट परचेज में बंद हो गया है, सिर्फ बीड के थ्रू से कर सकते हो। सर्विसेज में आपको मैन पावर में स्वीपर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, टाइपराइटर भी चाहिए, है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, माली भी चाहिए, तो आप एक साथ ऐसे सबका बंच बीड बना सकते हो, सबका ऑर्डर एक ही वेंडर को जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, इसीलिए इसको बंच ऑप्शन बोलते हैं, मतलब मल्टीपल कंसाइनी प्लस मल्टीपल आइटम हम एक साथ खरीद सकते हैं। प्राइस ट्रेंड्स फॉर प्रोडक्ट, हम प्राइस ट्रेंड्स जान सकते हैं, मतलब ये शूज है किस रेट में बिक रहा है मार्केट में, कौन क्या रेट में दे रहा है, ये मैं पता कर सकता हूं। कैसे? ये सेलर भी पता कर सकता है, नॉट सिर्फ बायर। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एलईडी लाइट की, एलईडी लाइट बहुत चलता है, इसलिए मैं एलईडी लाइट का ज्यादातर एग्जांपल एलईडी लाइट देता हूँ, जो कॉमन प्रोडक्ट है, डस्टबिन हो गया, एलईडी लाइट हो गया, एलईडी स्ट्रीट लाइट, ये सब मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है और आप लोगों को पता भी है ये प्रोडक्ट। चलो मान लेते हैं विप्रो का ही प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का मुझे प्राइस ट्रेंड्स जानना है, जो अभी तक ये प्रोडक्ट किस रेट में बिका, कहां पे बिका, इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानना है, जिसको बोलते हैं प्राइस ट्रेंड्स, वो यहां क्लिक करेंगे तो मुझे इसका प्राइस ट्रेंड्स पता चलेगा। ये प्रोडक्ट टोटल 19 बार सोल्ड हुआ है, किसमें से 4297 में से, मतलब अभी तक एलईडी स्ट्रीट लाइट लास्ट 6 मंथ में 4297 बार परचेज हुआ है, 4297 लास्ट 6 मंथ में परचेज हुआ है, इतने टाइम परचेज हुआ है, उसमें से इस प्रोडक्ट को, ये वाला जो प्रोडक्ट है विप्रो का, इसको ऑर्डर कितने बार मिला है, 19 बार इसको ऑर्डर मिला है, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट को ऑर्डर बहुत मिल रहे हैं, जिसकी ऑर्डर के वैल्यू है 0.05%। टोटल नंबर यूनिट सोल्ड हुआ है 1587, ये लास्ट 6 मंथ में 1587 प्रोडक्ट सेल हुआ है, ये प्रोडक्ट का सेलिंग हुआ है। रेट क्या था जनरली, इसकी रेट जो थी लास्ट 6 मंथ में, जून जुलाई अगस्त जून से लेके सितंबर तक का ये ग्राफ दिखाया है ना, तो जून में इसका रेट 250 रुपए में जनरली, यहाँ पे तीन देखो लाइन है, तीन लाइन क्या बता रहा है, एक मिनिमम बता रहा है, एक मैक्सिमम बता रहा है और एक एवरेज बता रहा है, मतलब यदि हम लोग जून की बात करेंगे तो जून में ये एवरेजली 221 रुपया में एक प्रोडक्ट सेल हो गया है जून में, जुलाई में बात करेंगे तो 197 में एक प्रोडक्ट सेल हुआ है और 170 रुपया में एक प्रोडक्ट एवरेजली सितंबर में सेल हुआ है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 250 रुपया में भी सेल हुआ है, किसी ने इस प्रोडक्ट को 250 रुपया में भी ऑर्डर लिया है, 275 में भी ऑर्डर लिया है और 261 में भी ऑर्डर लिया है किसी ने, तो कौन है ये सब वो देखना है तो वो भी देख सकते हो। 8/9/2022 को 124 यूनिट का ऑर्डर मिला था किसी को, वो था 200, कहां का पार्टी था, यूपी का, किसको ऑर्डर मिला, विनोद एंटरप्राइजेस को, ये वाला प्रोडक्ट जो आपको 100 रुपए में दिख रहा है वो वाला प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ये 127 यूनिट सेल हुए 100 क्वांटिटी के लिए, सॉरी 127 रुपए में 100 क्वांटिटी, कहां का, जम्मू महाराष्ट्र में, ये रेट 261 हो गया। फिर से देखो अगस्त में यही वाला प्रोडक्ट को 275 रुपए में भी बेच के चला गया यूपी में ही, सेम प्रोडक्ट, तो आपको ये लास्ट 6 मंथ का इसे पूरा डिटेल्स भी बताता है, इसको बोलते हैं प्राइस ट्रेंड्स, ये दोनों के लिए है, बायर के लिए भी है और सेलर के लिए भी है। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक में? सर अभी आपने ये बताया था बंच बंच बिल्डिंग नहीं हो सकता है शायद, सॉरी बिल्डिंग हो सकता है, डायरेक्ट परचेज बंच में नहीं होगा, वो बंद हो गया है जेम पे। अच्छा डायरेक्ट परचेज बंच में बीड अच्छा मल्टी का मल्टी जैसे आइटम्स चाहिए तो वो L1 में हो सकता है। हेलो आइटम को ही बंच बोल रहे हैं ना सर, तो वो 25,000 से कम होगा तो वो डायरेक्ट में नहीं होगा, 25,000 में बंच नहीं होता। अच्छा ओके। हेलो ये दीप इंटरप्राइजेस आपका रिपीट बैच है क्या?
नहीं नहीं फर्स्ट टाइम ही है हमारे पास डीप इंटरवल. एक जरा मेडिसिन का एग्जांपल बताओ ना सर. देखो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्लास में, क्योंकि हर एक के रिक्वायरमेंट फुलफिल करना तो दिक्कत है. हाँ आप खुद ट्राई करो और फिर कुछ डाउट्स आया तो पूछ सकते हो. मैं यहाँ पे रैंडमली किसी का भी प्रोडक्ट उठा लूंगा. हेलो यहाँ पे कोई चीज बेस तो उठा नहीं सकता, नहीं तो 40 लोग 40 प्रोडक्ट बोलेंगे तो फिर तो बहुत. हेलो बोलिए सर. हेलो हाँ सर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम था कि ये जो आप वीडियो बता रहे हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो के साथ आएंगे ना? हाँ ऑडियो के साथ मिलेगा. ये अपने इस पे जो आपका एप्लीकेशन है उसके ऊपर. यस यस एक्चुअली है ना मेरा मोबाइल डाउन हो गया है. ओके ओके नो प्रॉब्लम, मिलेगा सर. ठीक है सर. एक क्वेश्चन था मेरा. हाँ बोलिए सोहम सर. सर ये पीबीपी परचेस बताया था ना सर आपने अभी? पीबीपी परचेस बताया था मैंने जी. उसमें लिमिटेड कैटेगरी आपने बताया था, तो बायर जो है वो मतलब अपने हिसाब से, तो इसमें बायर ऐसा भी कर सकता है क्या कि सिर्फ एक ही मतलब सेलर को रिक्वेस्ट करे कि आप ही मुझे सामान? ये मिनिमम तीन होता है. ये मिनिमम तीन होगा ना सर? ठीक है ठीक है, यही पूछना. ओके चलिए. तो ये बायर का थे एडवांटेज. अभी आते हैं सेलर पे. सेलर के एडवांटेज क्या क्या है? डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. देखो मैंने ये पहले ही क्लियर किया कि आपको अभी हर पोर्टल में जाके अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. एक ही रजिस्ट्रेशन हर डिपार्टमेंट के लिए चलेगा, है ना? 15 मिनट में आ रहा बोलते भाव यहीं पे. वन स्टॉप शॉप फॉर बिड. एक ही जगह पे आप रिवर्स ऑक्शन, प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट परचेज वगैरह सब कुछ कर सकते हो. डायनेमिक प्राइसिंग, अभी तो वो आप लोगों ने प्राइस ट्रेंड्स में देख लिया कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस में कैसे सेल हो रहे हैं अलग अलग लोकेशन से और सेम लोकेशन से भी. तो प्राइसिंग जो है वो डायनेमिक है, हमेशा बदल रहा है. स्ट्रॉन्ग वेंडर रेटिंग सिस्टम, एक रेटिंग सिस्टम है. यदि आप वो भी देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो यहाँ से, जो सबके वेंडर्स के अपने अपने रेटिंग्स अवेलेबल है. देखो इसके जैसे 4.40 रेटिंग, इन लोगों के रेटिंग्स ही नहीं है. ऐसे आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग रेटिंग्स मिलेंगी. अब ये बोला भी प्रोडक्ट बहुत सारे लोग शायद बेच रहे हैं, बहुत सारे सेलर बेच रहे हैं, उनके भी रेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हो. यही वाला प्रोडक्ट अलग अलग लोग बेच रहे हैं और सबके रेटिंग्स अलग अलग है. 1.57 है, 2.46 है किसी का. तो ये रेटिंग्स फिलहाल जेम पे कोई मायने नहीं रखता. रेटिंग से ज्यादातर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, पर रेटिंग्स अच्छा रखेंगे और आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो शायद आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़े. फिलहाल तो नहीं हो रहा है पर आगे कभी हो सकता है. तो रेटिंग अच्छी रखने की कोशिश करो. फिलहाल इसके कोई बेनिफिट अभी तो नहीं है. हाँ गुरु सेवी. ये सर बोलिए. गुड इवनिंग सर. बोल रहे थे सर कि जैसे हमको किसी से डायरेक्ट अपने मतलब कि सिर्फ हमको लेना है टेंडर, तो फिर कैसे इस टाइप का होगा वो? चलिए तो फिर हम एक काम करते हैं सर, ये क्लास बंद करते हैं इधर ही और हम डायरेक्ट आपका ही काम पे चालू कर देते हैं, सबकी क्वेरी को ही सॉल्व कर देते हैं. मैं सर पहले लेक्चर से एक ही बात बता रहा हूँ कि सिर्फ हम अभी जेम समझा रहे हैं, मैं जेम पे बिल्कुल घुसा नहीं हूँ. अभी यदि मैंने आपको बता भी दिया तो आपको कुछ नहीं समझेगा. तो सर थोड़ा वेट करो, हमारा आपकी क्वेरी का टाइम जब आएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा हमेशा. हाँ जी सर, एक 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 बात बतानी थी कि जेम पे आप नहीं घुसे हो तो हम जेम से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप जो अभी समझा रहे हो हर एक का रेट अलग अलग, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि पहले के गवर्नमेंट में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तो तीन कोटेशन मंगवाते थे. बराबर बराबर बर, वो जो है वही L1 परचेज का ही एक तरीका है सर. हाँ तो उसमें भी ये चीजें है, यही मेरा पहली बस बार. बस वही है. अच्छा, ये ऑनलाइन है वो ऑफलाइन होता था, बस इतना. समझ गया. ओके मतलब उसी का एक तरीका है पर उसको अच्छे तरीके से डिजाइनिंगली पेश किया गया है. ओके सर. ये जो आप समझा रहे हो, हेलो बोलिए ना सर. सर जो समझा रहे थे कि आपने बिट ऑफ चांस प्रिंट वो प्राइस और टेक्सचर, इनके बारे में जो आप नोट्स में दोगे? नोट्स में तो ये प्राइस ट्रेंड ये सब नोट्स में नहीं है, सिर्फ जेम समझा रहा हूँ. जैसे कि जो आपका आपका जो जेम के जो वो इससे पहले बुक थी ना, वो ये बता देते कि ये पॉइंट बता देते हो आप. नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना इसके कोई नोट्स नहीं है अपने पास.
अभी तो मैं सिर्फ जेम समझा रहा हूँ, हाँ जेम खाने इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, होता कैसे है, थोड़े थोड़े हर चीज को समझा रहा हूँ ताकि आपको वो या वर्ड याद रहे बीड क्या होता है। अब जैसे कभी कभी भूल गए तो उसका मैं वो मिलेगा नहीं, वीडियो रहेगा अपने पास, आपके पास ये वीडियो रहेगा ना सर, ये रिकॉर्डेड लेक्चर चालू है ना। अच्छा ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। न्यू प्रोडक्ट सजेशन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर सेलर, कोई प्रोडक्ट सजेशन आप कर सकते हो, ये पहले था अभी ये बंद हो चुका है, तो आप कोई प्रोडक्ट, मैं यही पूछ रहा था इसकी, मनीष सर प्लीज अभी नहीं, मैंने आपको क्वेरी का टाइम दिया, अभी आप थोड़ा सा रुको, फिर मैं जब पूछूंगा तब आप पूछो, जब मैं लेक्चर चालू किया तो आप सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर न्यू प्रोडक्ट सजेशन अभी फिलहाल नहीं है, पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, अभी ये फैसिलिटी नहीं है। सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड से आपका एक डैशबोर्ड खुलता है, यदि आप लॉग इन करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, यदि आप दिखाता हूं मैं आपको डैशबोर्ड, मैं अभी डैशबोर्ड के अंदर तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ डैशबोर्ड खोल के दिखाता हूं, जो आपको एक डैशबोर्ड के असर आता है। ये है डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करोगे ये लॉगिन की बात दिखता है, जब आप लॉगिन कर लोगे, अभी तक हम लोग लॉगिन नहीं किए थे, अभी लॉगिन किए तो ये डैशबोर्ड दिखता है, जो आपको ऑर्डर्स समरी में जाओगे तो आपको कितना ऑर्डर मिला है, आपकी रेटिंग कितनी है, टोटल कितने ऑर्डर्स आपको अभी तक मिल चुके हैं, उसमें प्रोडक्ट कितने लिस्टिंग है, पब्लिश कितना है, आपका ऑर्डर का वैल्यू कितना है, टेंडर में कितने पार्टिसिपेट किए, ये एक आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आता है। ऑर्डर्स और पेमेंट मतलब ये आपको वैल्यू बताएगा, अभी टोटल मुझे 4.95 सीआर का अभी तक ऑर्डर मिल गया, ये मुझे मेरा प्रोफाइल का ऐसे एक ओवरव्यू तुरंत बता देता है, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। हम लोग इसके बारे में समझेंगे डिटेल्स, हर चीज हर पॉइंट को समझेंगे, पर वो बाद में, सिर्फ होता क्या है हम लोग अभी वही डिस्कशन कर रहे हैं। डैशबोर्ड न्यूज एंड इवेंट्स, कोई न्यूज एंड इवेंट्स आया तो भी पता चलता है, वो तो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा, कुछ न्यूज इवेंट, कुछ अपडेट अनाउंसमेंट आया तो ये सब चीज यहाँ पता चल जाता है, कोई अनाउंसमेंट आया, कुछ अपडेट आए तो आपको यहाँ पे ये सब चीजें पता चल जाती है। न्यू ऑन जेम जो मैंने अभी बताया, ये आपको सेलर को एडवांटेज है, बोलो कोई डाउट है किसी को इस एडवांटेज में? हेलो, हाँ बोलिए सर। सर एक चीज मुझे पूछना है। हाँ बोलिए सर, ये रिवर्स ऑक्शन क्या होता है? रिवर्स ऑक्शन सर, जनरली हम लोग रिवर्स ऑक्शन के बारे में बात करेंगे, तो देखिए ऑक्शन में दो टाइप होते हैं, एक फॉरवर्ड ऑक्शन होता है, एक रिवर्स ऑक्शन है। जैसे कि फॉरवर्ड ऑक्शन हम लोगों ने जानते हैं, हम लोग, आप लोगों ने बोली लगाते हुए देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा ही होगा बोली लगाते हुए, देखा है ना, वहां पे बोली कैसा होता है, बढ़ता है, देखा है ना, एक करोड़, एक करोड़ पांच लाख, कोई बोला एक करोड़ दस लाख, ये क्या हो गया, बोली बढ़ने लगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ऑक्शन, मतलब बोली बढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है। जब यही बोली घटेगा तो क्या होगा, ये रिवर्स ऑक्शन। जैसे आप बार्गेनिंग करते हो, आप जाके मान लो कोई दुकान में गए, मैं मुझसे आपको क्लासेस लेने हैं, या फिर कोई भी आप कहीं पर गए आपको खरीदना है किसी से, तो आप कैसे उससे घटाते हो ना प्राइस, आप कुछ घटा रहे हो, दूसरा वाला और कोई घटा रहे, अभी उसके पास देने के लिए एक ही प्रोडक्ट है, एक लैपटॉप है इसके पास, और खरीदने वाले तीन लोग हैं, तो हम लोग क्या बोलेगा, वो बेचने वाले तीन लोग हैं, खरीदने वाले एक लोग है, बोलेगा मेरा लैपटॉप सर आप ले लो, मैं 50,000 में दे दूंगा, तो आप क्या बोलेगा, सर मेरा लैपटॉप ले लो, मैं आपको 48,000 में ही दे दूंगा, तो दूसरा वाला बोलेगा नहीं मैं 47,000 में ही दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोली फिर घटने लगा, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑप्शन। समझ में आ गया? ओके सर। यस, और कोई डाउट्स किसी को? हेलो सर, एक डाउट है सर। बोलिए ना सर। बोले रिवर्स ऑप्शन में सर कंटिन्यू हम एक बार अगर रिवर्स ऑप्शन में कुछ अपना प्राइस कोट कर दिए तो वो दो दिन के बीच में उससे कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं ना सर? कितनी बार भी चेंज कर सकते हो। यस सर, एक टाइम लिमिट होता है,
आपको जैसे दो दिन का, हाँ, दो घंटा पांच घंटा, तो उसके बीच में कितनी बार भी चेंज कर सकते हो। मिनिमम क्या रहता है सर रिवर्स ऑप्शन के लिए, कितने दिन देते हैं सर? टाइमिंग वो बायर डिसाइड करेगा, जो खरीदार है। अच्छा अच्छा, वो आज एक घंटे के लिए क्या था, एक घंटा, वो दस घंटा बोला, दस दिन, उसने पांच दिन बोला था, पांच दिन। ओके सर, उसके बाद वो विंडो तो ऑटोमेटिकली भी क्लोज हो जाता है ना, सबमिशन क्लोज हो जाएगा। यस, उसके बाद कोई बोली नहीं लगा पाएगा। सेम केस फॉरवर्ड ऑक्शन के लिए भी होगा, पर वहां पे बोली सर एक चीज और। यस सर, तो रिवर्स ऑक्शन में तो सिर्फ हम अपना प्राइस कोट सकते, हमको तो ये नहीं पता चलेगा सामने वाला क्या कोट पता चलेगा ना सर। मान लीजिए आगे वाले ने 50,000 कोट किया, तो आप 50,000 के ऊपर कोट नहीं कर सकते रिवर्स ऑक्शन में, आपको 50,000 के नीचे ही कोट करना है, तो उसका रेट दिखेगा तो ही तो आप कोट कर पाओगे ना सर। अच्छा अच्छा सर, तो यहाँ पे जो सबसे कम रेट में कोट किया है सब उसका रेट आपको दिख जाएगा। ओके सर, ये ऑनलाइन बोली की तरह है। हाँ बोलिए सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने डैशबोर्ड जो दिखाया ना, जिसमें आपके न्यूज इंफॉर्मेशन दिखा है, अपडेट्स बताया, तो उसमें मुझे बताना है जैसे लेटेस्ट बिड वगैरह जो आ रही है, तो इसमें आने वाले जो टेंडर्स है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आती है कि हमको सर्च करना? दस बिड दिखता है, लेटेस्ट दस। अच्छा, लेटेस्ट दस बिड दिखती है, तो ये बिड मतलब ही टेंडर है ना? टेंडर है, बराबर, बिड मतलब ही टेंडर। तो सिर्फ जो अपडेट लेटेस्ट आएंगे सिर्फ वही दिखेंगे? वही दिखेंगे, बराबर। ओके ओके, तो ये एडवांटेज सेलर को है। आगे चलते हैं, जनरली बायर के कुछ रोल्स वगैरह रहते हैं एंड ड्यूटीज क्या क्या रहते हैं। तो बायर के रोल्स हैं बायर, प्राइमरी यूजर, डीडीओ, पेमेंट अथॉरिटी, टेक्निकल एवलुएटर, कंसाइनी और एडिटर, ये टोटल बायर के रोल है। अभी कुछ लोगों को लगे जो सर मुझे बायर हमेशा हमेशा सर बायर के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, बायर को ज्यादा एडवांटेज देते हैं और सेलर को कम देते हैं, ऐसा शायद क्लास में कोई सोच रहे, बहुत सारे लोग हम उससे सोचते हैं। तो सर देखो, जब तक आप बायर नहीं समझोगे बराबर, तो सेलर समझना दिक्कत है, तो आपको बायर भी उतना ही समझना है। बायर समझने के बेनिफिट क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग बिल्कुल जेम पे रहे, तो मैं पहले थोड़ा जान लू जेम पे बिल्कुल नए कौन है। जिनको जेम पे एक भी ऑर्डर नहीं मिला है, जेम के बारे में पता नहीं है, थोड़ा हैंड रेज करो, आपके पास हैंड रेज करने का ऑप्शन है। कितने लोग हैं वो मैं थोड़ा देखना चाहता हूं, नए, बिल्कुल नए। सर हैंड रेज का ऑप्शन कहां है? हां देखो वहां पे है सर, देखो मोर में रहेगा। अरे वाह, काफी लोग जेम पे, हम बिल्कुल नए हैं, कुछ भी पता नहीं हमारे को। हाँ गया, हाँ ठीक है, नहीं काफी लोग है, चलेगा। यस न्यू, अरे यहाँ पर भी चैट बॉक्स में भी आ गया, नहीं मतलब 50% हमारे पास तो लग रहे नए हैं, 50% नहीं तो 30% तो है। एनीवे चलो, अच्छी बात है, तो आप लोगों को बता देता हूँ। देखो चीज़, जिम भले ऑनलाइन है सब कुछ, हम अभी तक जो भी बता रहे थे ये जेन्युइन बातें बता रहे थे, मतलब जिम पे इस तरीके से काम होता है, ये एडवांटेज है, ये सब कुछ है, पर ये सब बोलने के लिए बहुत अच्छी बात है। जब आप खुद से जब काम करने जाओगे तो आपको लगेगा सर तो हमें कुछ अलग ही बता रहे थे, हो कुछ अलग ही रहा है। यहाँ पे यदि आप बायर नहीं जानते हो, यदि आपने बायर पे ध्यान नहीं दिया और बायर के बारे में नहीं सीखा, तो शायद आपको काम बड़ी मुश्किल से मिले। पूछेंगे सर क्यों ऐसा, इसलिए कि यहाँ पे काम उसको ही मिलता है जिसकी पहचान बाहर से है, मैक्सिमम काम वही चल रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, पर चांसेस जो हैं वो कम होंगे, रेट कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। यदि आपकी अच्छी है बाहर के साथ तो फिर आपको रेट अच्छे मिलेंगे, अच्छे से काम मिलेगा और 100% आपको काम मिलेगा, ये बेनिफिट है। तो अभी आपके साथ बायर नहीं है जुड़े हुए, तो यही बायर बेनिफिट है। यदि आपने बायर अच्छे से सीखा तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि बायर आपको बुला के आपको काम करा के भी लेंगे और आपको काम देंगे। उसके लिए बायर का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा बायर का नॉलेज होगा आपको काम मिलने के चांसेस उतने बढ़ेंगे।
इसलिए बायर के बारे में जानना है। और बायर जानोगे तो सेलर में भी आप उस तरीके से काम कर पाओगे, मतलब बायर की रिक्वायरमेंट पता होती है। मेरा प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रहा है, लिस्टिंग होने के बाद बायर को कैसा दिखेगा ये यदि मुझे पता है तो मैं लिस्टिंग करते वक्त प्रॉपर लिस्टिंग करूंगा। तो इसके लिए भी बायर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेलर और बायर दोनों पढ़ाते हैं। क्लियर हुआ या कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? क्योंकि एक सबसे बड़ी डाउट यही है जेम पे। कोई डाउट है तो पूछो, है ना? तो इसलिए अपने को बायर समझना है, बायर को इग्नोर मत करो। बायर को इग्नोर करोगे तो आपको आगे इसकी तकलीफ बहुत पता चलेगा। आदित्य सर एक डाउट था मेरे को सर, ये बिडिंग जो L1 कंपैरिजन होता है, अगर ये अपन जो आप अभी बता रहे हो बायर से पहचान होती है, तो ये बिडिंग में भी अपन को कुछ ऐसे तरीके होते हैं? सब बताऊंगा ना सर, आप टेंशन मत लो, आपका ऑर्डर आपको मिलेगा, ये मैं पहले ही बताया हूं ना, ये हमारा गारंटी है। लास्ट खत्म करो, नहीं हुआ तो मुझे लास्ट दिन आप मुझे बताना सर जो आपको क्या प्रॉब्लम रह गया है ना। हाँ मंजित सर बोलिए, मंजित सर कुछ पूछ रहे थे। अच्छा हाँ मंजित सर का भी हैंड रेज। ओके देखिए तो हाँ बोलिए। नहीं सर कोई क्वेरी नहीं है सर। कुछ क्वेरी है मंजित सर? नहीं सर थैंक यू। तो देखो तो बायर में होता क्या है, रोल है बायर में ना, अलग 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 रोल है। जैसे कि बायर का काम है खरीदना, कोई भी चीज जो खरीदेगा वो सिर्फ बायर खरीद सकता है। अब एक डिपार्टमेंट में देखो, आपकी कंपनी में यदि आप कोई कंपनी में जॉब करते हो या कोई आप कंपनी चलाते हो, तो क्या एक आदमी चलाता है उस कंपनी को? उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स, स्टोर, HR, प्लानिंग, है ना, साइड वाले अलग होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रहती है, तो ऐसे बायर को भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो इसमें क्या बोलते हैं, स्टोर वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और स्टोर वाले को बोलते क्या है, ये हमें समझना है यहाँ पे बायर में। तो सबसे पहला है बायर, जिनको भी बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वो कोई भी सामान वही खरीद सकता है, दूसरा कोई खरीद नहीं सकता। मार्केट से जो भी परचेज करना है वो परचेज सिर्फ बायर ही खरीद सकता है, जिनको बायर का रोल दिया जाएगा। कंसाइनी का रोल जिनको दिया जाएगा, जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा फिर आप ऑर्डर को भेजोगे, तो ऑर्डर जब आप भेजोगे तो ऑर्डर कोई तो रिसीव करेगा, जनरल स्टोर में रिसीव होता है, तो वो काम है कंसाइनी का। मतलब आपका मटेरियल सही आया या गलत आया या बराबर आया कि नहीं, आपने 10 क्वांटिटी भेजे थे 10 क्वांटिटी मिला कि नहीं, ये सब काम कौन चेक करेगा? कंसाइनी। तो वो कंसाइनी के हेड में रहेगा। उसके बाद है आइडेंटर। आइडेंटर कुछ नहीं है, एक बायर का ही एक छोटा सा रूप है। बायर जैसे कि आपको, मान लीजिए आपको कुछ चीज खरीदना है, जैसे अमेज़न से आपको खरीदना है, दीक्षित सर को अमेज़न से कुछ खरीदना है, पर उनको उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वहां पे बायर में हर एक प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंगली मुझे शूज चाहिए 8 नंबर का, और उसने कुछ बता दिया मुझे लेदर के शूज चाहिए, तो मुझे पसंद करना, आप मेरा हेल्प कर दो। मेरे पास दीक्षित सर को इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार अमेजन पे मार्केट में जाए और सोच परचेज देखे और पसंद करके ऐड टू कार्ट करे। और भी कोई चीज खरीदना है, टेबल खरीदना है, चेयर खरीदना है, तो दीक्षित सर चाहे तो एक सपोर्टिंग हैंड रख सकते हैं। सपोर्टिंग हैंड होगा आइडेंटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटर। रख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, रखना चाहे तो रख सकते हैं। वो क्या कर सकता है, जो भी प्रोडक्ट बायर को चाहिए खरीदना है उसको वो ऐड टू कार्ट करके दे सकता है।
पर आगे का प्रोसेस नहीं कर सकता, सिर्फ एड टू कार्ट करके रख सकता है। आगे का काम बायर को ही करना पड़ेगा, मतलब पसंद करने का जो काम है बायर का, थोड़ा सा फिल्टरेशन का काम इजी कर सकता है। मतलब बायर को जूते चाहिए तो चार पांच तरीके के शूज एड टू कार्ट करके, मतलब चार में से आप कोई लेना चाहो पसंद आया तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे। तो वो काम आइडेंटर कर सकता है, ये बायर खुद भी कर सकता है या बायर अपने हाथ में आइडेंटर रख के उनसे भी करवा सकता है। ये है आइडेंटर का काम। वो खरीद नहीं सकता, सिर्फ एड टू कार्ट करके छोड़ सकता है, खरीदना तो बायर को ही है। उसके बाद है डीडीओ। आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट जो पेमेंट करती है वो पीएफएमएस के थ्रू से करती है, शायद आप लोगों ने सुना होगा पीएफएमएस का पोर्टल का नाम, पीएफएमएस बोलते हैं ना पेमेंट। ये एक पोर्टल दिया गया है डिपार्टमेंट को जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोल के, इसी पोर्टल से आपको क्लाइंट को पेमेंट करना है, ये डिपार्टमेंट को एक पोर्टल दिया गया। तो जो भी डिपार्टमेंट पीएफएमएस से पेमेंट करेगी उनको डीडीओ का रोल रखना जरूरी है। यदि आप पीएफएमएस से पेमेंट कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद है पेमेंट अथॉरिटी। यदि आप पीएफएमएस से नहीं कर रहे हो तो आपको पेमेंट अथॉरिटी बनाना है, मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और टेक्निकल इवोल्यूटर, जब टेंडर निकलता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, मतलब टेक्निकल चीजों को वेरीफाई करने के लिए, उसके लिए बायर टेक्निकल इवोल्यूटर रख सकता है, मतलब बायर के अंडर में टेक्निकल इवोल्यूटर रख सकता है, वो भी बायर की मर्जी, रखना चाहे तो रख सकता है, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। तो बायर के हाथ के नीचे आइडेंटर और टेक्निकल इवोल्यूटर काम कर सकता है। ये हो गया कंसाइनी का काम, मेटेरियल रिसीव करना, डीडीओ हो गया यदि पीएफएमएस है तो, और नहीं पीएफएमएस है तो PAO, पेमेंट अथॉरिटी, पेमेंट करने के लिए जो पीएफएमएस में काम नहीं कर रहा है, अभी भी नेट बैंकिंग वगैरह या दूसरे अलग अलग प्रोसेस से पेमेंट कर रहे हैं तो उनको PAO। और एक है प्राइमरी यूजर, ये सब यूजर का हेड बॉस, HOD जिसको बोलते हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब यूजर को मैनेज करने का काम होगा प्राइमरी यूजर को, इसको बोलते हैं प्राइमरी यूजर। ये खरीद भी नहीं सकता, मेटेरियल रिसीव भी नहीं कर सकता, आइडेंटर भी नहीं कर सकता, डीडीओ भी नहीं कर सकता और टेक्निकल इवोल्यूटर भी नहीं बन सकता। ये सब डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है और चाहे तो पेमेंट अथॉरिटी का रोल अपने पास रख सकता है, मतलब ये पेमेंट कर सकता है और कौन क्या खरीद रहा है, कौन मेटेरियल रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, ये सबका ओवरव्यू देख सकता है। ये है प्राइमरी यूजर, इसको बोलते हैं HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये बायर के इतने सारे सेक्शन है। कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है? सर पीएफएमएस वाला पार्ट फिर से बताइए ना थोड़ा। पीएफएमएस एक पेमेंट करने का सर एक प्रोसीजर है, मतलब पेमेंट होता है डिपार्टमेंट को, अभी पेमेंट करने के लिए भी पोर्टल है हमारे जो ग्राम पंचायत का होता है ना उसमें पूरा पीएफएमएस ही चलता है। हाँ, तो वो जिनको जो पीएफएमएस करता है वो पीएफएमएस के थ्रू से यदि पेमेंट करना है तो उनको डीडीओ रखना पड़ेगा, एक रोल देना पड़ेगा किसी को, जो लोग पीएफएमएस यूज कर, जो डीडीओ का पूरा फुल फॉर्म क्या है ये मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। डाटा ऑपरेटर है सर? नहीं, डेटा ऑपरेटर नहीं होगा डीडीओ का। हाँ सर, डेटा ऑपरेटर। हाँ सर, डीडीओ मींस ड्रॉइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रजिस्ट्रार भी ऑफिसर। चलिए, और कुछ डाउट्स है? क्लियर है यहां तक बायर का पार्ट? क्लियर क्लियर सर। चलिए आगे चलो सेलर में, है ना? जी सर। बायर का एक पार्ट है, जैसे हम लोगों ने ये थोड़ा सा पार्ट क्लियर भी किया था, जैसे कैसे कैसे परचेज कर सकता है, डायरेक्ट परचेज जिसकी लिमिट 25,000 है, मैंने बताया भी था। यदि L1 करना है तो 25,000 से 5,00,000 के अंदर कर सकते हो, पर ये भी L1 डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है। बिड जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये नॉर्मल बिड है। पीएसी एक बिड होता है,
पीएससी मतलब प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। यदि बायर को कोई पर्टिकुलर ब्रांड और कोई मॉडल नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, तब यदि ऐसा कोई परचेज करना है उसको बायर को, तो वो जो बीड निकलेगा वो है पीएससी बीड, उसको हम लोग बोलते हैं पीएससी बीड। मैं आगे आपको बताऊंगा बीड पीएससी से कैसे मैनेज करते हैं, ये भी एक मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको जब बीड बायर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा पीएससी और कस्टम बीड या बीओक्यू बीड। यदि कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, मार्केट में नहीं है, जब जेम के मार्केट में, जैसे कोई मैडम बताई थी मुझे कुछ तो एक प्रोडक्ट बताई थी, वो जेम के मार्केट में नहीं था, वो कैटेगरी नहीं है जेम में। सर कैटेगरी है, कैटेगरी है, ओके। हाँ, लिफ्टिंग एंड हेलो बोलिए, उसकी कैटेगरी है सर, कैटेगरी है, ओके चलेगा। एनीवे मान लीजिए, चलो कोई कैटेगरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसकी कैटेगरी नहीं है, तो जिस प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी नहीं है वैसा यदि कोई चीज बायर को खरीदना है तो वो कस्टम बीड या बीओक्यू बीड बनेगा। तो इतने टाइप के है, और एक है पीबीपी जो यूज में अभी नहीं है क्योंकि नया आया था इसलिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं लोग ज्यादा। देखो यहाँ पे पुश बटन प्रोक्योरमेंट, ये पीबीपी ऐसा होता है, ये अपडेटेड बाद का अपडेटेड है, तब पीवीपी नहीं था, वो भी एक पार्ट। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? तो सर वो कस्टम बीड में अगर जिसकी कैटेगरीज नहीं होती है तो उसका जो कैटलॉग बनाना पड़ता होगा फिर? हाँ, वो तो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड अपॉन बीड है, वो आगे देखेंगे इसके लिए कैटलॉग बनाना है किसके लिए कैटलॉग नहीं बनाना है, बनाना है तो कैसे बनाना है, टेंडर भरना कैसे, वो सब बाद में देखते जाएंगे। डन, ओके। आते हम लोग सेलर के बारे में, सेलर में क्या क्या होता है। जैसे बायर में हम लोगों ने यूजर देखा, ऐसे सेलर में भी यूजर हो सकता है, प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर, इसमें और बाकी कुछ नहीं। प्राइमरी यूजर जो आप लोग मेन रोल प्ले करता है, सेकेंडरी यूजर हम लोग रख सकते हैं, मतलब आपका ही काम को थोड़ा इजी बनाने के लिए सेकेंडरी यूजर आप अपने हाथ के नीचे रख सकते हो, इसको सेकेंडरी, इसको आप रोल दे सकते हो, जैसे वो खाली बीड में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है, ऐसे काम का रोल उनको दे सकते हो, रोल बेस्ड, मैंडेटरी नहीं है, बनाना चाहे तो बना सकते हो। अभी यहाँ पे कैटलॉग ड्राइवन कैट जो कैटलॉग्स है, कैटेगरी कैटलॉग के जो कैटेगरी है उसको एक अलग अलग सिस्टम में बांटा गया है। जनरली जो लोग जेम पे काम करते हैं उनको पता है Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे जनरली बोलते हैं, पर हमारे पास और दो नए कैटेगरी भी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, वो है Q5 एंड Q6, क्योंकि उसमें ऑर्डर ही नहीं में होते, उसमें प्रोडक्ट ही नहीं है, इसलिए Q5 और Q6 के बारे में लोग पता नहीं करते। जनरली Q1 के बारे में भी लोगों को पता नहीं होता क्योंकि Q1 में भी ज्यादातर प्रोडक्ट हमारे काम के नहीं है, पर यदि आपसे कभी हमें जानना है तो हमारे पास टोटल 6 कैटेगरीज हैं कैटलॉग्स के, क्या क्या, Q1 से लेके Q6 तक, ये टोटल 6 है। हर एक के कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे कि Q1 कैटेगरी, यदि हम लोग Q1 कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ OEM ही अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, इसमें रीसेलर को एंट्री ही नहीं है, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट देखते हैं, कार्स बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो पूरा Q1 पे है, यहाँ पे रीसेलर को एंट्री नहीं है, सिर्फ OEM ही अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, रीसेलर का एंट्री ही नहीं है, इलेक्ट्रिक कार बोलो या कार्स बोलो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें सिर्फ OEM, हर एक प्रोडक्ट में खाली OEM दिखेगा, रीसेलर नहीं दिखेगा कभी भी, कोई भी प्रोडक्ट में आपको रीसेलर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें रीसेलर एंट्री ही नहीं है। ये किस कैटेगरी में है, तो Q1 कैटेगरी। तो याद रखो, जो भी कैटेगरी Q1 से बिलोंग करता है उसमें रीसेलर को एंट्री नहीं है, जनरली ज्यादातर प्रोडक्ट इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है।
क्लियर है क्यू वन? क्लियर सर। आते हैं क्यू टू। क्यू टू में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यू टू। क्यू टू की जरूरत आप सबको पढ़ने वाली है सबसे ज्यादा। इसके बाद क्यू टू में पूरे आईटी है। आईटी मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, सीसीटीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। अभी क्यू थ्री में आ गया, पहले क्यू टू में था रेफ्रिजरेटर, अभी क्यू थ्री में है। और वैसे बहुत सारे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी क्यू टू में, कुछ बड़े इक्विपमेंट्स भी क्यू टू में, मशीन्स वगैरह। थोड़े दिन पहले तो क्यूपीआर पेपर भी क्यू टू में कर दिया था, अभी फिर से उसको क्यू थ्री में शिफ्ट कर दिया गया। तो क्यू टू के नॉर्म्स देखो, क्यू टू देते तो यहाँ पे जाते हैं ऑल कैटेगरी, जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप, लैपटॉप नोटबुक किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये क्यू टू। क्यू टू में आपको दोनों मिलेंगे, रीसेलर भी मिलेगा और ओएम भी मिलेगा, कोई भी कैटेगरी दोनों मिलेंगे क्यू टू में। बट जो रीसेलर है, यदि आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, तो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास ऑथराइजेशन होना जरूरी है। विदाउट ऑथराइजेशन आप क्यू टू का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अभी ऑथराइजेशन ये कॉमन क्वेरी है, ऑथराइजेशन मिलेगा कहां से? तो जो ओएम है उनसे ऑथराइजेशन मिलेगा, या जो डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनसे ले सकते हो, पर ऑथराइजेशन नंबर तो चाहिए। विदाउट ऑथराइजेशन नंबर आपको यहाँ पे Q2 के आइटम में काम नहीं कर सकती आप। यदि Q2 के आइटम में काम करना है तो आपके पास ऑथराइजेशन नंबर होना ही चाहिए। क्लियर है Q2 आइटम? क्लियर है सर। आते हैं Q3। Q3 में क्या आइटम? तो Q3 में यहाँ पे OEM और ऑथराइज रीसेलर बेच सकता है। इसमें जैसे है फर्नीचर, ऑफिस के आइटम, लैब इक्विपमेंट, टेक्सटाइल, ऐसे बहुत सारे आइटम। मैक्सिमम जो आइटम है वो Q3 में, ज्यादातर आइटम। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, शायद आपके प्रोडक्ट ज्यादातर Q3 से ही हो। चेयर, चेयर में सभी चेयर है अप्रोक्सिमेटली सब Q3 में, ये सब Q3 में दिख रहा है। Q3, 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 Q3। तो मैक्सिमम जो आइटम है वो Q3 से ही है। जैसे मैं लो प्लास्टिक चेयर ले लेता हूं, तो ये Q3। Q3 में भी दोनों का एंट्री है, रीसेलर भी और OEM दोनों है। अब इसमें ऑथराइजेशन Q3 में 100% नहीं है कि ऑथराइजेशन नंबर लगेगा ही लगेगा Q3 को बेचने के लिए। डिपेंड अपॉन ओएम, जिस प्रोडक्ट का ओएम बना है उस प्रोडक्ट का ऑथराइजेशन नंबर लगेगा बेचने के लिए। जिस प्रोडक्ट में ओएम नहीं है उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे विदाउट ऑथराइजेशन आप बेच सकते हो। जैसे कि जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, एनए लिखा है, जो भी इसको प्रोडक्ट को आपको बेचना है तो आपको कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। अभी ये वाला चेयर देखते हैं, ये ब्रांड क्या है? ऑफिस सीटिंग कलेक्शन। तो आपको पता ही यहां से चलेगा जिस प्रोडक्ट में रीसेलर नॉट वेरीफाइड और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड रहेगा, मतलब इस वाले प्रोडक्ट को, ये ब्रांड का इस कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन। किसको लगेगा? अनब्रांडेड है तो इसमें भी सेम रहेगा, कैटलॉग और रीसेलर नॉट वेरीफाइड रहेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट भी आप, इस ब्रांड का प्रोडक्ट इस कैटेगरी में विदाउट एनी ऑथराइजेशन बेच सकते हो। पर किस चीजों के लिए ऑथराइजेशन लग सकता है? जैसे महाराजा का, इसको लगेगा, इसको भी नहीं लगेगा। कोई दूसरा ब्रांड देखते हैं, जैसे कि ये OEM है ना, डॉरिस स्प्रे, ये एक ब्रांड है। अब इसमें क्या बोल रहा है? OEM वेरीफाइड कैटलॉग होता है। अभी ये प्रोडक्ट, इस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट ले लो इस कैटेगरी में, कोई भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में
डोरिस फ्रे का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी, ये भी ले लो, तो भी आपको OEM वेरीफाइड मिलेगा और आप इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते विदाउट ऑथराइजेशन। तो डिपेंड अपॉन इसमें ब्रांड है। Q3 में अभी नीलकमल करेगा, नीलकमल वाला भेज सकते हैं क्या? इस पे क्लिक करके देखना है मुझे। ये OEM वेरीफाइड रीसेलर है जिसको यहाँ पे चेक करने का बार बार, तभी ये शायद डिपेंड भेज भी सकते हैं शायद और नहीं भी। ये अपने को एक प्रोडक्ट चेक करके देखना पड़ेगा, या नीलकमल का दूसरा और एक दो प्रोडक्ट ले लो तो आपको और आइडिया आ जाएगा जो हम भेज सकते हैं या नहीं। दूसरा ब्रांड और एक दो दिखा देता हूं, देखो अभी ये है, ये ब्रांड भेज सकते हैं, ये OEM वेरीफाइड, मतलब ये ब्रांड का प्रोडक्ट हम विदाउट ऑथराइजेशन नहीं भेज सकते, है ना? तो डिपेंड अपन ब्रांड। Q3 का नाम से क्लियर है? Q3 यहाँ पे Q3 पता चलता है। चलो फिर अभी आते हैं Q4। Q4 में जैसे पेपर को स्टेशनरी का बहुत सारे आइटम है और छोटे छोटे बहुत इसमें भी है, कॉपियर पेपर ले लेते हैं। अभी कॉपियर पेपर शायद Q4 में चला गया, Q2 से प्लेन कॉपियर पेपर, ये क्या है? Q4 ग्राफ पेपर, Q4 में है ना? ऐसे Q4 क्या है? जो क्यों सेल फोन पेपर, ये Q4 में, तो जो भी टिश्यू पेपर, ये सब Q4 में, तो जो भी आपको दिख रहा है Q4 का आइटम, जो भी Q4 का आइटम है वो वाले ब्रांड में कोई भी प्रोडक्ट ले लो, चाहे वो OEM बेच रहा है या रीसेलर बेच रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। अभी ये वाला प्रोडक्ट, ये भले OEM वेरीफाइड भी होने दो, Q4 कैटेगरी में कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को, ये कैसा है? OEM वेरीफाइड है, फिर भी हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं विदाउट एनी ऑथराइजेशन। Q4 कैटेगरी में विदाउट एनी ऑथराइजेशन आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो Q4 कैटेगरी, चाहे वो OEM वेरीफाइड हो या ना। तो ये है Q1 to Q4 का नॉम्स। कुछ डाउट्स है बताओ? Q5 और 6 क्या मैं क्या है सर? मैं बताता हूँ, उसमें जनरली ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रहते, फिर भी मैं बताता हूँ क्या Q4। हाँ शुवेंद्र, हेलो, हाय सर। यस सर बोलिए। सर ये जैसे अगर Q4 में आपने बोला कि यहाँ पे हम जैसे OEM अगर वेरीफाइड है तो भी हम इसमें कॉल कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों है Q4 में? Q4 अभी जेम ने सर कुछ कैटेगरी के अकॉर्डिंगली नॉर्म्स बनाए हैं ऐसे कि Q4 में आपको OEM का एंट्री नहीं है। देखो इसमें लिखा भी होगा, मैंने लिखा भी होगा इसमें Q4 में, रीसेलर नो OEM, OEM ही नहीं है तो आप किससे अप्रूवल लोगे? No approval required, है ना? लेकिन सर जरा उस पेज पे आइए जो ब्रांड का पेज था। हाँ सर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक sold by resellers, यानी यहाँ पे क्या लिख रहा है? OEM verified reseller, OEM ने इसको verified किया है, पर कोई गरज नहीं है, नहीं किया तो भी verified होने वाला है। ये Q4 को ऐसे बनाया गया है जिसमें Q4 कैटेगरी है उसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आके कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, चाहे वो OEM का प्रोडक्ट हो या ना। तो हम सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे जो है हम बस Q4 देख करके, ऐसा Q4 कैटेगरी देखने का, जो भी Q4 में है वो देखने का, या मैं आपको Q4 का एक लिस्ट भी दे दूंगा, मेरे पास एक Q4 में हेलो सर एक मिनट, ये जो कैटेगरी दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरा पास पहले का है, ये मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, इससे भी कुछ प्रोडक्ट और बढ़ गए हैं कैटेगरी, तो ये जो पूरा कैटेगरी दिख रहा है ये पूरा Q4 कैटेगरी का है। हाँ। ये चाहे तो ये मैं पीडीएफ लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके सर। सर ये जो Q4 Q3 एंड Q2 एंड Q1 की जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो कैटेगरी जो आपने .pdf करके डाउनलोड किया है तो इसको हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? इसी जम से ही एक ऑल्टरनेट ऑप्शन में
पूछ रहा था बस। कौन सा बोल रहे हो? कौन सा बोल रहे आप? वो पीडीएफ सर आपको खुद भेज देंगे ना, फिर इतना जमा खुलाना है। मनीष सर बोलिए ना, क्या डाउट है आपका? हाँ मनीष सर, ओएम का मतलब क्या? जो मैन्युफैक्चरर है उसको हम लोग ओएम बोलते हैं। यदि आप कोई प्रोडक्ट का खुद मैन्युफैक्चरर हो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी चीज, पार्ले जी बिस्किट, तो पार्ले जी बिस्किट का ओएम कौन है? पार्ले कंपनी, जो पार्ले है। ब्रिटेनिया का ओएम कौन है? ब्रिटेनिया का। डेल का आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसका ओएम कौन है? डेल, जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है। शुभेंद्र सर, सॉरी सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर गया था। तो सर ये जो डॉट पीडीएफ आपने Q4 कैटेगरी का आपने डाउनलोड किया है, राइट सर? आप तो भेजेंगे ही, लाइक हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? ग्रेट, ठीक है। लेकिन जैसे अगर अगर हमें जैसे मान लीजिए कि डाउनलोड करना हो वो पीडीएफ, तो हम क्या जेम पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे हम पीडीएफ एंड उसके वीडियोस एंड रिगार्डिंग कुछ भी वो हम कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है, पर Q4 कैटेगरी का लिस्ट है कि नहीं मुझे भी अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। ये मैंने उससे मंगा के लिया था, उससे मैंने Q3, Q1 और Q2 का भी बात किया था, पर मुझे दिया नहीं। Q4 कैटेगरी का मुझे लिस्ट उन लोगों ने दिया है, तो मैं आपको वो शेयर कर, आप ढूंढो, मिल गया तो शायद आपको है तो मिल भी जा सकता है, पर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक अल्टरनेट ऑप्शन हम लोग को कहां से मिल सकता है? लाइक गूगल से ही मिल सकता है ऐसा? हाँ, बाकी तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ओके सर, थैंक यू, ठीक है। द्विवेदी सर, रघुंद्र राजेंद्र द्विवेदी। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि Q4 में हमें विदाउट ऑथराइजेशन हम लोग कोई भी प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, राइट? तो सर अभी आपने जैसे कॉपियर पेपर का बोला कि पहले ये Q2 में था और अब ये Q4 में आ गया, तो सर मतलब कभी भी Q2 का कोई भी प्रोडक्ट अगर Q4 में आ जाएगा तो उसमें ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑथराइजेशन की जरूरत खत्म। आज यदि डेस्कटॉप Q4 से Q2 से Q4 में आ गया, तो सर Q4 का प्रोडक्ट Q2 में भी जा सकता है, इसका मतलब? वो तो जेम के ऊपर है। अच्छा, मतलब सर जाएगा तो फिर हमें उस जगह पे अगर Q2 में वो चला गया तो ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी? यस यस। ओके 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 सर, थैंक यू। ये Q3 Q4 ये देख कैसे रहे सर, वो सर्च बॉक्स में डाल रहे हैं क्या? Q3 Q4 वो आ कैसे रहा? जेम ने डाला हुआ है, जेम का डिसीजन है। नहीं तो आप कैसे उस ऑप्शन को मतलब डाल रहे हैं सर? आपको क्या चाहिए बताओ, वो सर्च कर देगा। मुझे पेन चाहिए, पेन बोल के सर्च कर, तो पेन के रिगार्डिंग जितने भी कैटेगरी है मुझे सजेस्ट कर दिया और उसके सामने लिखा रहता है ये क्यों। मेरा सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट, पहले जिनसे बात चल रही है उनका एक क्वेरी सॉल्व हो जाए तो फिर आप आगे बोल सकते हैं ना सर। किसका था क्लियर है सर आपका डाउट्स? नहीं नहीं सर, हाँ मेरे डाउट सर, मेरे को अभी कार चाहिए, तो मेरे को कार परचेस करना है। बराबर, यहाँ पे देख लो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कार बोल के डाल दीजिए, कार्स बोल के कैटेगरी है सर। हम लोगों ने भी सर Q4 में बता रहा है। अच्छा, कार के बारे में बराबर, तो Q1 कैटेगरी है तो आप यहाँ पे बेच नहीं सकते, Q1 के राउंड फॉलो होंगे फिर इसके, फिर OEM ही खुद बेच सकता है, रीसेलर को एंट्री नहीं है Q1 में। ओके सर, जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उसके नॉर्म्स फॉलो होंगे, खाली इतना ही। ठीक है, थैंक यू सर। बोलिए नेक्स्ट सर। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला Q1 में सिर्फ जो OEM बेच सकता है, जैसे कि मारुति कंपनी है, मारुति वो अपने प्रोडक्ट बेचेगी, बट वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन हुआ फिर? डिस्ट्रीब्यूटर कौन हुआ आप ही बताओ, जैसे कि कौन हुआ उसको हम रीसेलर कह सकते हैं ना सर? OEM होंगे या रीसेलर होंगे? रीसेलर होंगे ना सर वो? हाँ, तो रीसेलर होंगे, तो रीसेलर को मैंने क्या बोला, Q1 के में एक ही बात बताया कि यहाँ पे रीसेलर को अलाउड नहीं है। यदि वो रीसेलर है तो अलाउड नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, रीसेलर है तो अलाउड नहीं।
सुरेंद्र सर, सॉरी जी सर, शुभेंद्र। सर अगर ये जो ओईएम का जो पार्ट है, हम यहाँ से कैसे ऑथराइजेशन ले सकते हैं, वो क्या हम आगे सीखेंगे या फिर ऑथराइजेशन लेने के लिए तो आपको ओईएम से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वही आपको देगा, यहाँ पे तो हम है नहीं। जैसे उस पे कैसे उनसे बात करें या फिर किस तरीके से, तो ये आप आगे बताएंगे। आप मुझे बताओ, आपको एक डीलरशिप लेना है, चलो आपको एक टू व्हीलर का शोरूम खोलना है, तब क्या करोगे, कैसे कैसे बात करोगे? आपको होंडा का या टू व्हीलर का शोरूम खोलना है, तब क्या करोगे? कैसे करोगे? वो जेम के थ्रू नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही जेम के थ्रू नहीं है ना, वो जेम से मतलब ही नहीं है उनको। हाँ, वो जेम के थ्रू कुछ नहीं, जैसे आप करोगे वैसे ही यहाँ पे जिस प्रोडक्ट का चाहिए वैसे ही कॉन्टेक्ट करने का, सेम तरीके। ठीक है, समझ गया। ओके सर, थैंक यू। मतलब इसको इतना कॉम्प्लिकेशन मत लो, बहुत इजी से समझो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस दैट इज, और कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएंगे। डेस्कटॉप देख लो सर, सर्च करके, Q1 में है, Q4 में है, डेस्कटॉप Q4 में नहीं है, Q2 का प्रोडक्ट। ओके, और कोई डाउट्स किसी को, क्लियर है? हेलो, हाँ बोलिए सर। ये सर्विस इंडस्ट्री, इसमें कौन से 1-6 में कौन से पैरामीटर? सर्विस में Q1 नहीं होता, सर्विस में सब एक ही कैटेगरी में है, कोई Q1 नहीं है, कोई Q2 नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट में ही है। सिर्फ प्रोडक्ट में रहता है। हाँ, सर्विस बहुत इजी है, सर्विस में उतना समझने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना लेंदी नहीं है। ओके, ठीक है सर। हाँ, Q5 किड्स ओनली यहाँ पे रीसेलर ही पार्टिसिपेट कर सकता है ना, सॉरी ओनली यहाँ पे रीसेलर है Q5 में, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो क्या बोलते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट है वो जनरली Q5 में, और Q6 में हर स्टेट के अपने कुछ फेमस प्रोडक्ट है वो Q6 कैटेगरी में। यहाँ पे OEM अपलोड कर सकता है, रीसेलर पेयर कर सकता है, जैसे Q2 में था सेम वैसा ही था। जैसे प्रोडक्ट क्या है, यदि आप लोग बात करेंगे Q6 में, तो Q6 कैटेगरी के लिए आपको एक यहाँ पे दिया हुआ है, जनरली हर बार तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, अभी आएगा। ये ODOP बोलते हैं ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रुप, ये Q6 कैटेगरी का पार्ट है। बताओ कौन सा स्टेट का दे जानना है? जम्मू कश्मीर का सर। जम्मू कश्मीर, सर बताओ जम्मू में क्या फेमस है कश्मीर में सर? हाँ, शॉल्स, शॉल एप्पल है ना, एप्पल राइट सर। तो बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट का आपको जानना है? श्रीनगर कर दीजिए, श्रीनगर। अभी श्रीनगर में जो भी फेमस चीजें हैं वो आपको यहाँ पे उसका पता चल जाएगा। श्रीनगर में दो चीजें फेमस है, पेपर माशी, हाँ, वॉलनट वुड, बॉक्सिंग, ये दो चीजें फेमस है। इसमें टोटल 19 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड भी, देखना चाहूं तो जी सर, ये है ना, तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपना जगह का फेमस चीज देख सकते हो और वो Q6 कैटेगरी में आएगा। वो उसमें उसमें ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है Q6 में, Q6 में कुछ नहीं है, ये हम L1 इसको आराम से कर सकते हैं। यस यस डेफिनेटली। ओके ओके सर, और कोई डाउट्स किसी को? मेरी तरफ से क्लियर है। तो जनरली ये मेन पार्ट थे जो हम लोग, ये प्राइस ट्रेंड देखो ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को, और ये छोटे मोटे चीजें हैं, तो ये हम लोग आगे आगे डिस्कशन करते रहेंगे। तो जेम के मेन पार्ट थे वो हम लोगों ने जनरली डिस्कशन कर लिया। सर सर एक ही डाउट था, अभी जैसे हमको सेल करना होगा कोई प्रोडक्ट, तो इसमें हमको भी वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये कैटलॉग बेसिस पे रजिस्टर करवाना होगा ना जेम पे? हाँ वो, हाँ कैटलॉग पे आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी तक वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ये डीओ क्रिएशन कौन है? हाँ सर, कौन है ये डीओ क्रिएशन? एंट्री मार दिया दारू बेंगलुरु से सर। हैं, हेलो, हाँ हाँ सर, मुझे एक डाउट है सर। वो छोड़ो, आपका एडमिशन किस नाम से? डीओ रियो क्रिएशन से। डीओ क्रिएशन, हाँ सर।
राजू राजू है सर। तो आपने रियो क्रिएशन बोल के क्यों डाला? राजू है नाम से आना है। आज मैं कर रहा हूँ, कल से यदि ऐसा दिखा तो मैं निकाल दूंगा, और मैं निकाल दिया तो आप भी बाद में कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे वो डिवाइस, फिर दूसरा डिवाइस यूज करना पड़ेगा। सो देख लो, याद रखो ये चीज को है। चलो बोलो अभी। नहीं सर, मुझे अभी अब बोल रहे ना। मुझे L1 करने के लिए प्रिंटिंग का आइटम था सर। L1 के लिए आइटम, अभी प्रिंटिंग आइटम डायरेक्ट परचेस करने के लिए हमारा आइटम में कैसे ले सकते हैं, ले आ जा सकते हैं वो, क्या कर सकते हैं? नहीं सर, अभी एक फिलहाल प्रिंटिंग का मटेरियल रहेगा। हाँ, प्रिंटिंग का रहेगा। हाँ, प्रिंटिंग का L1 करना है। हाँ, L1 करना है। हाँ, बराबर। वो इसमें मैक्सिमम स्क्वायर फीट 20 रुपीस रहेगा, 30 रुपीस रहेगा। हम तो एक एटलीस्ट 40 रुपीस डाला तो वर्कआउट होता है। हाँ, वैसे डालने के लिए कैसे करना पड़ेगा? जब क्लास होगा तो देखेंगे। अभी हम लोग वहां पे पहुंचे क्या? नहीं ना, जब L1 पढ़ाएंगे तब पूछने का, तब मैं बताऊंगा, है ना? ठीक है सर।